मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, माई सेल्फ आई एम डॉक्टर सोनल छाबड़ा एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज द कंसेप्ट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा अब प्रचलन में है और हम इस बारे में बहुत सुनते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। राइट टू एजुकेशन के बाद ये शब्द और ज़्यादा लाइमलाइट में आया और हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करें तो बात है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन वो एक तरीका है जिससे हम सब बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं, सब बच्चों को सिमिलर एजुकेशन पैटर्न पे लेकर के आना चाहते हैं, एक साथ क्लासरूम में बैठा करके पढ़ाना चाहते हैं। जब हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ डिड दिस कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल केम इन। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ हाउ वी हैव बीन ट्रीटिंग और हाउ द सोसाइटी हैज बीन ट्रीटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इट्स स्टार्टेड विद एक्सक्लूजन। इनिशियली जब सोसाइटी में ये लोग आइडेंटिफाई किए जाने वाले लगे थे कि कुछ लोग अपंग हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग समझ नहीं सकते वैसे जैसे बाकी लोग समझ सकते हैं, तो सोसाइटी जो तरीका इनके साथ डील करने का निकालती थी वो थी एक्सक्लूजन। माने इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता था, समाज के बाहर रख दिया जाता था ताकि वो बाकी लोगों के क्रम में किसी भी तरह की बाधा ना डालें। दे आर नॉट ऑब्स्टेकल्स टू एनी काइंड, दे आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ एनी काइंड। तो इसलिए वो एक तरीका निकाला गया था एक्सक्लूशन का। बट ओवर द टाइम रियलाइज हुआ कि ये एक तरीका जो है सोशल जस्टिस के परस्पेक्टिव से अच्छा नहीं है और हाउ कैन वी डू दैट या हाउ कैन द सोसाइटी डिसाइड कि इस बंदे को हमने एक्सक्लूड करना है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ पार्ट ऑफ इट। और इस रियलाइजेशन के साथ वी मूव द स्टेप अहेड एंड द सोसाइटी मूव्ड फ्रॉम एक्सक्लूजन टू सेग्रीगेशन। माने उन्हें समाज का हिस्सा तो समझा जाता था लेकिन उन्हें सेग्रीगेट करके रखा जाता था। तो वो सोसाइटी के अंदर है लेकिन सोसाइटी के अंदर होने के बावजूद भी उनको अलग रखा गया है, उनके लिए क्लासरूम्स अलग हैं, उनके लिए स्कूल्स अलग हैं। क्लासरूम्स तो तब आएंगे जब हम उनको एक स्कूल में लेकर के आएंगे, स्कूल्स में भी नहीं लेकर के आए थे लेकिन उनके लिए हमने अलग स्कूल बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे जो कंसेप्ट था स्कूल फॉर डेफ हो गया या स्कूल फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड हो गया। ऐसा नहीं है कि आज के संदर्भ में या इन प्रेजेंट डे सोसाइटी दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग, दे आर एग्जिस्टिंग इवन टूडे बट दे हैव टेकन अ डिफरेंट शेप, दे आर इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड दे आर फॉर डिफरेंट रीजन। और एनी वेज जब हम कभी भी एवोल्यूशन की बात करते हैं किसी भी एक प्रिंसिपल की तो इट टेक्स टाइम टू गेट टू दैट फुल फॉर्म। एक्सक्लूजन से शुरू हुए, सेग्रीगेशन पर आए, सेग्रीगेशन के बाद हम इंटीग्रेशन पर आए। नाउ व्हाट वॉज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन वॉज बेसिकली कि इन सब बच्चों को आप स्कूल ले आइए लेकिन स्कूल के अंदर इनका क्लासरूम अलग होगा। सो वो हैं हमारे साथ, वो एक ही स्कूल के अंदर हैं जिस स्कूल में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका क्लासरूम अलग है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो दे वर सिक्लूडेड ओनली, द ओनली डिफरेंस वाज यस दे वर शेयरिंग सम स्पेस इन द स्कूल। इन द सेंस कि हो सकता है वो फिजिकली जब ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहे हैं अपने घर से इधर तो मे बी वो एक कॉमन स्पेस हो या ईटिंग स्पेस कॉमन हो, बट जहाँ एजुकेशन की बात आती है या फॉर्मल एजुकेशन की बात आ रही है तो वो जो था वो गैप था देयर वॉज। सो दे वर नॉट देवर अ पार्ट बट देवर नॉट अ पार्ट ऑल्सो। सो वो था सेग्रीगेशन से इंटीग्रेशन की तरफ आना। देन वी मूव्ड फर्दर एंड वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन। नाउ इंक्लूजन इज दैट कंसेप्ट दैट सेज कि एक स्कूल जो है दैट इज फॉर एवरी वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एबिलिटीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नीड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कल्चरल बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण हम इंडिविजुअल्स के बीच में गैप्स आते हैं या डाइवर्सिटीज आती हैं। ये कंसेप्ट हमने समझा दैट हाउ वी वर डीलिंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नाउ दैट कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो इवॉल्व ओवर अ टाइम। इनिशियली दे वर कॉल्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उससे पहले उन्हें डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहा जाता था क्योंकि डिसेबिलिटी पे ज्यादा फोकस था।
रादर देन कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देन डिसेबल्ड चिल्ड्रन से वो हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पे आए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर आए। आज के डेट में अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात माने तो वो हमें कहते हैं कि इन लोगों को दिव्यांगजन कहना चाहिए, यानी कोई एक अंग है विच इज पुटिंग देम डिफरेंट। यस दे मे हैव डिफरेंट नीड्स, दे मे हैव सर्टन स्पेशल नीड्स, बट द पॉइंट इज सिंस वी आर कॉलिंग देम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दे आर चिल्ड्रन फर्स्ट एंड देन दे हैव द स्पेशल नीड्स। और अगर हम सब अपने अंदर झांकें और रियलाइज करें और हम सब अपने बच्चों को देखेंगे और अपने क्लासरूम्स को देखेंगे, वी ऑल आर हैव एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विच वी हैड एन एक्सपोजर टू, देन वी वुड अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड और एवरी लर्नर और एवरी स्टूडेंट और एवरी इंडिविजुअल हैज सम और द अदर काइंड ऑफ स्पेशल नीड्स। हाँ, वो नीड्स जो है वो इतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती कि वो हमें समाज से अलग करके रख दे, बट येस वी डू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स एंड वी डू हैव स्पेशल काइंड ऑफ नीड्स। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है क्लासरूम के अंदर, अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन ही वोंट वर्क हार्ड अंटिल अनलेस ही इज पुश्ड बाय द टीचर। तो उसकी वो स्पेशल नीड बन जाती है दैट ही नीड्स अ पर्सनल इम्पिटस फ्रॉम द टीचर, सो दैट इज अ स्पेशल नीड फॉर द चाइल्ड। हाउएवर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन फॉर प्रोवाइडिंग बेटर रिसोर्सेज एंड बेटर फैसिलिटीज फॉर दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो येस वी फोकस ऑन सर्टन काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज और सर्टन काइंड ऑफ एबिलिटीज विच दीज चिल्ड्रन हैव डिफरेंट। सी, वी वुड इंक्लूड चिल्ड्रन विद फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, वी वुड इंक्लूड चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, वी वुड इंक्लूड चिल्ड्रन विद लिंग्विस्टिक इम्पेयरमेंट्स, चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। ये सारी कैटेगरी है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, बट मोर देन दैट और बिसाइड्स दिस देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन विच वी समहाउ फॉरगेट एट टाइम्स। जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन है, इवन दे आर ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ग्रुप। जो कल्चरली बैकवर्ड ग्रुप है, जैसे अगर सपोज इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो SC ST ट्राइब है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, इवन दे आर ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ग्रुप। सिमिलरली ऑटिस्टिक बच्चे हैं, कोई लिंग्विस्टिक इम्पेयरमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो दे आर ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सिमिलरली If there are children who are juvenile delinquents, जो 18 साल से कम उम्र के हैं लेकिन किसी ना किसी adult crime के चक्कर में वो reformatory homes में फंस गए, so even they are children with special needs. Children who are living in orphanages, children who are destitute children, children who are living on streets, children who have probably divorced parents and they are living in hostels, even these children would come under the category of children with special needs. ये अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और अगर हम इतनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इस कंसेप्ट को लेकर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को लेकर, देन आई एम श्योर दैट वील बी एबल टू हैव मोर एम्पथी विद दीज चिल्ड्रन एंड वील बी एबल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट नीड सिंपथी ऑफ एनी काइंड। दैट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी डू नॉट नीड टू शो देम एनी काइंड ऑफ सिंपथी विद देम। दो मिनट के लिए अगर हम सोच करके चलें, जैसे हमने बात करी सेग्रीगेशन की, हमने बात करी एक्सक्लूजन की, दो मिनट के लिए अगर हम अपने पर भी लेकर के चलें, जो इस वक्त एक फेज चल रहा है COVID-19 का एक फेज चल रहा है, तो सपोज जो लोग क्वारंटाइन में डाल दिए जा रहे हैं एंड देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर कंप्लेनिंग दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, तो अगर हम 5 मिनट के लिए अपने पर वो चीज़ लेकर के देखें कि अगर हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और सपोज हमें कोई कोई भी एक कंडीशन ऐसी हो जाती है या कोई हमसे नाराज भी हो जाता है फैमिली में और वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर सपोज वो एक दिन के लिए बात नहीं करते, तो जो वो एक्सक्लूजन वाली फीलिंग होती है, वो जो सेग्रीगेशन वाली फीलिंग होती है, वो कितनी बुरी होती है और वो हम इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को। सो जस्ट इमेजिन व्हेन दीज पीपल आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर जस्ट लाइक अस एंड दे आर that way because of their special needs, but that's not their fault or that's not the reason behind it. माने मेरे अपने कारण तो ऐसा नहीं होगा ना कि let's say suppose my legs are not working और मैं बचपन से if I'm crippled, so but then that's not my मेरी गलती के कारण तो ऐसा नहीं हुआ ना, but then even then if I'm being treated in that manner, then it says a lot that we need to really understand, we really need to reflect how we are treating the children with special needs. So once we have a realization of this concept that who are children with special needs, then we would realize that सभी बच्चे in one way or the other they are children with special needs. मतलब आज के context में अगर हम बात करें, most of the families are in living in nuclear setups. Nuclear setups में है,
जनरली सिंगल चाइल्ड हैं, जनरली बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. सो इवन दीज सिंगल चिल्ड्रन हुज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे आर लॉक एंड की चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद को ताले के अंदर बंद करके रहते हैं. दे आर जस्ट ऑन देयर ओन, दे डू नॉट हैव एनीबडी टू टॉक टू, दे डू नॉट हैव एनीबडी टू केटर टू. वो पूरा पूरा दिन अकेले होते हैं. सो दे ऑल्सो बिकम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन वन फॉर्म. दे आर इमोशनल नीड्स में मेक दम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मे हैव डिफरेंट फिजिकल नीड्स, मे हैव डिफरेंट कॉग्निटिव नीड्स, मे हैव डिफरेंट इमोशनल नीड्स, मे हैव डिफरेंट सोशल नीड्स. एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है, सब कुछ ठीक ठाक है, बट उसकी सोशल कम्युनिकेशन नहीं है. सो ही बिकम्स अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बिकॉज ऑफ हिज इनएडिक्वेट सोशल एबिलिटीज. सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट जैसे हम एक इंसान की बात करते हैं कि उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, इवन मॉरल होते हैं. तो ये पांच छह एस्पेक्ट्स जब होते हैं, ये मिल करके एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाते हैं. तो उसी डायरेक्शन में इन सब हम सब इंडिविजुअल्स की अपनी नीड्स होती हैं, अपनी केपेबिलिटीज होती हैं. आई वुड हैव सर्टन काइंड ऑफ फिजिकल केपेबिलिटी, सर्टन काइंड ऑफ इमोशनल केपेबिलिटी, सर्टन काइंड ऑफ सोशल, लैंग्वेज, इस तरह के हम सबकी अपनी केपेबिलिटीज हैं. और ये केपेबिलिटीज सोसाइटी कैसे उन केपेबिलिटीज को रिएक्ट करती है, दैट एक्चुअली डिटरमाइंस द डिसेबिलिटी और द हैंडीकैप. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देर इज समबडी हु यूजेज अ व्हील चेयर. वो व्हील चेयर यूज करके इधर से उधर मूव करते हैं, तो वो देखने में तो लगता है वो डिसेबिलिटी है, देर इज नो डाउट अबाउट इट कि उसके लेग्स क्रिपल्ड हैं, तो वो डिसेबिलिटी तो है. बट वो जब वो व्हील चेयर यूज कर रहे हैं तो वो हैंडीकैप तब बनेगा अगर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो अगर उनको सिर्फ रैंप के ऊपर से लेकर के जाना है वेयर ही कैन मूव हिज और हर व्हील चेयर ऑन हिज ओन, तो वो एक हैंडीकैप नहीं है. हैंडीकैप सिर्फ तब बनता है जब सोसाइटी आपकी डिसेबिलिटी को या सोसाइटी आपकी फिजिकल, जो फिजिकल सोशल लैंग्वेज जो भी एक नीड है उसको अडेप्ट नहीं कर पाता, ओनली देन इट बिकम्स अ हैंडीकैप. सो इट रियली हम जिस चीज का टिकरा फोड़ते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ऊपर, एक्चुअली इट इज मोर टू डू विद हाउ सोसाइटी इज रिएक्टिंग टू इट. सो वी नीड टू सी दैट हाउ मच आर स्कूल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट वी केटर टू दीज नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. इफ वी अंडरस्टैंड दैट थिंग देन ओनली वील बी एबल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एंड ऑल्सो दैट वी ऑल एस्पायर टू हैव आवर चिल्ड्रन इन दोज काइंड ऑफ सेटिंग्स. वी नीड टू ऑल अंडरस्टैंड दिस दैट दिस राइट टू बिलोंग इज द बेसिक राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल. जो हम अभी बात कर रहे थे कि सपोज अगर ऐसा होता है कि आपको घर से बाहर रख दी, घर के अंदर है लेकिन आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, सो यू फील दैट थिंग दैट यू डू नॉट बिलोंग टू दिस पार्ट. जब ये वाली फीलिंग आती है दैट यू डू नॉट बिलोंग टू दिस पार्ट, देन इट इज नॉट अ हेल्दी साइन और इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी कंफर्टेबल. तो वो उस साइन से प्रूव होने के लिए या उस साइन से बाहर जाने के लिए वी वुड मेक ऑल दोज काइंड ऑफ एफर्ट्स, बट देन द एफर्ट्स नीड टू मेड फ्रॉम टू बी मेड फ्रॉम द फैमिलीज पार्ट ऑल्सो. और जैसे हम फैमिली में होते हैं और अगर सपोज कोई गुस्सा होकर बैठ जाता है, या जैसे हम इसी एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे लेकिन वो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, हो सकता है एक दिन बाद वो बात करना शुरू कर देते हैं. यही तरीका हमारी सोसाइटी का होना चाहिए दैट वी नीड टू अडेप्ट टू दीज चिल्ड्रन. वी नीड टू मॉडिफाई आवर एनवायरमेंट टू दीज नीड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन. इस डायरेक्शन में जावेद आबिदी जी थे, नेशनल फेडरेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन के, अब वो नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत डायरेक्शन इस डायरेक्शन में काम किया कि आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो हमारे जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे, स्पेशली आर्किटेक्चरल प्लेसेस थे या इवन रेलवे स्टेशन थे या एयरपोर्ट्स थे, तो दे वर नॉट अडेप्टेड टू दीज थिंग्स कि एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए कि पीपल विद फिजिकल एबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट डू फील एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट की बात करने थे तो वो नहीं थे हमारे इन सब जगहों पे, सिर्फ स्टेयर्स ही हुआ करती थी. बट विद टाइम रियलाइज हुआ दैट वी नीड टू मेक दीज पीपल इंडिपेंडेंट, सो वो रैम्स की बात लेकर के आए. तो ही टॉक्ड एंड वर्कड इन दैट एरिया कि आपको एनवायरमेंट को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव बनाना है एंड मेक इट अडेप्टेबल टू एवरी इंडिविजुअल. किसी भी तरह की उनकी नीड हो उसी हिसाब से उसको अडेप्ट करना चाहिए. यहाँ बात करते करते एक स्टेटमेंट याद आती है कार्ल सैंडबर्ग की. ही सेड दैट देयर इज ओनली वन चाइल्ड इन द वर्ल्ड. उनका कहना था देयर इज ओनली वन चाइल्ड इन द वर्ल्ड एंड दैट चाइल्ड्स नेम इज ऑल चिल्ड्रन. सो दैट इज हाउ वी क्लब द इंक्लूसिव स्कूल कंसेप्ट कि सब बच्चे हैं दुनिया में. अगर देखा जाए, अगर वो देखें तो वो बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर देखा जाए तो देयर इज ओनली वन चाइल्ड इन द स्कूल, वन चाइल्ड इन द सोसाइटी, और उसका नाम है ऑल चिल्ड्रन. और जैसे ही हम ऑल चिल्ड्रन की बात करते हैं
हमें रियलाइज होता है कि वी नीड टू अडैप्ट टू द नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस थिंग दैट इट वाज वेरी इजी इन टाइम्स इन अर्लियर टाइम्स व्हेन देयर वाज ओनली वन टीचर इन द क्लासरूम, बट देयर वर वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम ऑल्सो. होम स्कूलिंग का कंसेप्ट था, एक टीचर पे एक बच्चा है, या एक फैमिली के अंदर एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है तो तीन चार बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ रहे होते थे. तो उस टीचर के लिए भी बहुत ईजी होता था अडेप्ट करना उनकी नीड्स को लेकर के, उनकी एबिलिटीज को, बिकॉज देयर वर फ्यूअर नंबर ऑफ द चिल्ड्रन. बट एज द टाइम प्रोग्रेस्ड एंड वेन वी हैव मास एजुकेशन एंड वेन वी हैव सच ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर देयर इन द स्कूल, मास मास नंबर, so then it becomes even more difficult for the teacher that how would she cater to the needs of all the children in the classroom. मैं यहाँ वो बात कर रही हूँ कि जहाँ let's say एक supposedly जिन्हें society normal children कहती है, even जो वो society जैसे normal children कहती है, अगर उसका भी एक classroom बना हुआ है उसमें भी इतनी variety आपको मिल जाती है. आप if you want to put anything on a graph you would find height से ले लीजिए, weight से ले लीजिए, intellectual quotient से ले लीजिए, हमेशा एक नॉर्मल कर्व निकल करके आता है. दैट मीन्स एवरेज बहुत सारे हैं बट देर आर पीपल हु आर ऑन द एक्सट्रीमिटीज, मतलब वो जो लोअर साइड पे हैं वो भी हैं और जो अपर साइड पे हैं वो भी हैं. वो दोनों प्रपोर्शन कम होता है, मैक्सिमम प्रपोर्शन जो होता है वो एवरेज का होता है. सिमिलर इज इफ आई टॉक ऑफ लेट्स से हियरिंग इम्पेयर पीपल, वो लोग जो बिल्कुल नहीं सुन सकते वो भी बहुत कम है, और वो लोग जो बहुत ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं वो भी बहुत कम है. एवरेज वाले लोग ज्यादा होते हैं. और हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो एवरेज से थोड़ा नीचे जाने लगता है हम उसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बना लेते हैं. या इस साइड पे भी देखें, ये ध्यान देने वाली बात है कि हम कई बार वी टेक अ लिमिटेड व्यू ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो हम सिर्फ नीचे जो जा रहा होता है एवरेज से उसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में लेते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन पीपल हु आर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्व दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. दे पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन और हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, हु आर क्रिएटिव चिल्ड्रन, आउटस्टैंडिंग कॉग्निटिव एबिलिटी. सो इवन दीज चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. और जब क्लासरूम में टीचर पहुंचती है तो शी हैज टू केटर और शी शुड केटर टू बोथ दीज चिल्ड्रन, बोथ दीज सेट्स ऑफ चिल्ड्रन बिसाइड्स द एवरेज चिल्ड्रन. सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इसी बारे में बात कर रहा है. दे आर सेइंग दैट इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग एवरी वन, जो भी आ रहा है उसे हमने साथ में लेना है. एंड यू नीड टू मेक अ कमिटमेंट टू प्रोवाइड ईच स्टूडेंट इन द कम्युनिटी, ईच इंडिविजुअल इन द डेमोक्रेसी, अ कम्फर्टेबल एजुकेशनल एनवायरमेंट इन द स्कूल. सो आइडिया इज आप सबको लेकर के चल रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा दैट यू आर फोकसिंग ओनली ऑन अ प्रिविलेज्ड सेट ऑफ, प्रिविलेज्ड मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जो स्कूल जा रहा है वो प्रिविलेज्ड हो जाता है, या जिसके हिसाब से स्कूल जो उसके नीड्स को केटर कर पाता है वो प्रिविलेज्ड हो जाता है. बट अदरवाइज इंक्लूसिव एजुकेशन टॉक्स अबाउट दैट यू नीड टू एम्ब्रेस एवरी वन. You need to make a commitment to provide student in the community, to provide each citizen in a democracy with an inalienable right to belong. माने फिर से वही बात आएगी कि you need to make an environment in that manner कि right to belong जो है, मैं स्कूल जा रही हूँ तो मुझे किसी आधार पे मना ना किया जाए कि आप स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते ठीक से, या आप सुन नहीं सकते ठीक से, या आप चल नहीं सकते, कोई भी एक कारण हो सकता है, या आप लड़की हैं इसलिए आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, या आप फलानी कैटेगरी की, समाज के फलानी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं पढ़ सकते. जैसे हमने कहा कि इवन एससी एसटी चिल्ड्रन जो हैं वो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे आर सोशली डिसएडवांटेज, या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं इसलिए आप इस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं पढ़ सकते. तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं इसलिए भी उनकी जो नीड्स हैं वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती हैं. Now, if we all understand these perspectives, then we would understand कि inclusive education बात करता है सबको इकट्ठे पढ़ाने की. ये बात सर्व शिक्षा अभियान में भी उठ करके आई, ये बात right to education में भी उठ करके आई, that you cannot deny the right to admission to a child on the basis of language, creed, gender, ability. तो किसी भी आधार पे आप मना नहीं कर सकते किसी भी individual को admission के लिए, because inclusion assumes that living and learning together benefits everyone. माने ये नहीं है कि हम उस बच्चे पे एहसान कर रहे हैं जिसको हम क्लासरूम के अंदर लेकर के आ रहे हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स था. इंक्लूजन ऑन द अदर हैंड बिलीव्स कि इसका फायदा उस बच्चे को तो हो ही रहा है बट साथ साथ उन बच्चों को भी होता है जो सो कॉल्ड समाज के नजरिए में नॉर्मल बच्चे हैं, या टीचर क्लासरूम के अंदर है. शी और ही द टीचर मे बी लर्निंग समथिंग एल्स, मे नॉट बी लर्निंग एकेडमिकली फ्रॉम द चिल्ड्रन, बट देन दे मे बी लर्निंग समथिंग एल्स, बट देन इट बेनिफिट्स एवरी वन.
हम जब प्रैक्टिकली समाज में रहने की बात करते हैं तब भी तो हम सब साथ ही रहते हैं. ऐसा तो नहीं है कि पीपल हु आर विद स्पेशल नीड्स आर लिविंग इन अ डिफरेंट सोसाइटी एंड पीपल हु आर नॉर्मल आर लिविंग इन अ डिफरेंट सोसाइटी. सिंस वी ऑल लिव टुगेदर और हम स्कूल को कहते हैं कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द सोसाइटी इज. नाउ सिंस वी बिलीव दैट थिंग दैट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द सोसाइटी इज, सो वी आर स्कूल्स नीड टू बी गियर्ड अप इनटू दैट मैनर. हमें अपने स्कूल्स को उस हिसाब से रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा दैट दे केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. सो इंक्लूजन या इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं और जब हम कह रहे हैं कि हमें हमारे स्कूल्स को तैयार करना होगा और जब हम कह रहे हैं दैट वी कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू एनी चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी और ऑन एनी अदर बेसिस ऑफ दिस काइंड, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ उन्हें क्लासरूम में लेकर के आना या उन्हें स्कूल में लेकर के आना इज नॉट द पर्पज. द पर्पज इज टू एनहेंस देयर एबिलिटीज, द पर्पज इज टू प्रोवाइड देम गुड लर्निंग एनवायरमेंट सो दैट दे कैन रीच देयर एबिलिटीज ऑल्सो. उनकी जितनी भी क्षमताएं हैं वो उसे अचीव कर पाए, तो उस तरीके का माहौल देना क्लासरूम के अंदर या उस तरीके का माहौल देना स्कूल के अंदर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल. वी के नॉट एब्जॉल्व आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई जस्ट मेकिंग देम एंटर द क्लासरूम एंड देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद देम. देखिए अब इसमें आप हम दो एग्जाम्पल्स उठा करके देखते हैं. एक क्लासरूम है जिसके अंदर देर इज अ चाइल्ड हु इज लेट्स से फिजिकली इम्पेयर्ड है और वो व्हील चेयर बाउंड है, ही और शी के नॉट मूव आउट. तो एक टीचर का रिएक्शन ये हो सकता है कि सी जब फिजिकली इम्पेयर्ड है तो उसकी बाकी सारी चीजें या एबिलिटीज तो नॉर्मल हैं, तो वो शायद उसे कॉग्निटिवली किसी भी तरीके की मदद की जरूरत नहीं होगी. तो क्लासरूम में जैसे टीचर पढ़ा रही है द टीचर मे नॉट नीड टू डू एनी चेंज इन दैट, द टीचिंग मेथड मे बी द सेम, सो शी वोंट हैव टू अडैप्ट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स. बट देन व्हेन द टीचर इज मेकिंग दीज चिल्ड्रन मूव टू द प्ले ग्राउंड देन दिस टीचर नीड्स टू कीप इन माइंड कि अब मैंने इस बच्चे के साथ क्या करना है. नाउ देखो बिट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द टीचर. एक टीचर हो सकता है कि ऐसा कह रहे कि आप क्लासरूम में ही बैठे रहो और उसके साथ किसी स्टूडेंट को उसने बोला कि आप क्लासरूम में इस बच्चे के साथ बैठे रहिए सो दैट द चाइल्ड डजंट फील्स बोर्ड. दैट्स वन वे ऑफ रिएक्टिंग टू इट कि आप कैसे उस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं. एक और टीचर है जो एफर्ट करती है कि वो दो तीन बच्चों के साथ मिलकर के उस बच्चे को भी नीचे प्लेग्राउंड में लेकर के जाती है एंड देन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. दैट चाइल्ड विद फिजिकल इम्पेयरमेंट इज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड. वो हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना खेल पा रहा हो या उतना इन्वॉल्व ना हो पा रहा हो जितना बाकी बच्चे हैं, बट देन द चाइल्ड इज प्लेइंग एटलीस्ट. नो दैट दैट्स एन सेंस इन इटसेल्फ कि वो बहुत ज्यादा रिपोज शो करता है दैट द चाइल्ड इज एक्चुअली इन एन इंक्लूसिव सेटिंग रादर देन दोट काइंड ऑफ सेटिंग्स जहाँ उसको बोल दिया गया कि ऊपर क्लासरूम में ही बैठे रहो, आपका जब भी गेम्स पीरियड हो या मॉर्निंग असेंबली हो तो वो सुबह आता है, वो उस क्लासरूम में बैठ जाता है और फिर वो दोपहर को जब घंटी बजती है तो वो उसी सेटिंग से बाहर निकल करके चला जाता है. उस बच्चे को कॉग्निटिवली कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में कोई गैप था नहीं और जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उसी तरीके से पढ़ रहा है. बट देन दैट चाइल्ड वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑन वट एवर बिहेवियर इज बींग डन विद द चिल्ड्रन विद द चाइल्ड इन द क्लासरूम. उसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा, उसका इमोशनल इम्पैक्ट भी होगा. द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही इज गोइंग टू डेवलप इन द क्लासरूम आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट बिकॉज वो नीचे नहीं जा रहा है. सी जो बॉन्डिंग होती है वो इन सब स्पेसेस में ज्यादा होती है, प्ले ग्राउंड में ज्यादा होती है या रिसेस के टाइम पे या मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे. सिंस ही इज दैट चाइल्ड इज मिसिंग आउट ऑन ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, तो वहाँ वो गैप आना शुरू हो जाएगा और उसकी फिजिकल एबिलिटी तो क्षमताएं तो उसकी सीमित है ही है, बट उसकी सोशल और इमोशनल जो कैपेबिलिटीज हैं या सोशल और इमोशनल स्किल्स जो हैं वो भी उतने ज्यादा निखर करके नहीं आएंगे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू वुड अंडरस्टैंड और यू वुड सी दैट जनरली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और पीपल विद स्पेशल नीड्स हैव सम काइंड ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. आई एम सेइंग जनरली, आई एम नॉट सेइंग विद ऑल, वी हैव सीन इंडिविजुअल्स हु आर जस्ट एब्सॉर्ब्ड ऑफ दिस थिंग. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्षमताएं क्या है क्या नहीं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ. सो वी हैव दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट वो एग्जाम्पल के पीछे अगर आप देखेंगे तो हाथ कहीं ना कहीं स्कूल का या पेरेंट्स का जरूर रहा होता है. द काइंड ऑफ एनवायरमेंट पेरेंट्स एंड स्कूल्स हैव बीन एबल टू प्रोवाइड टू दैट चाइल्ड. अगर मैं वैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रही होंगी क्लासरूम के अंदर कि वो बच्चे को किसी तरीके की कमी महसूस हो, तो देन द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. बट इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू दिस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू द सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, because every child with special need would have some kind of or would have some different special social and emotional needs.
बिकॉज उसे मालूम है कि वो बाकी बच्चों के मुकाबले डिफरेंट है. सो द टीचर नीड्स टू बी वेरी सेंसिटिव इन दिस रिगार्ड एंड द टीचर नीड्स टू अडैप्ट टू दैट काइंड ऑफ थिंग कि आई हैव टू बी सेंसिटिव. सो दिस इज हाउ द इंक्लूजन गोज दैट वी नीड और वी एज्यूम दैट लर्निंग एंड लिविंग टुगेदर इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, जो हम पहले भी चर्चा में कह चुके हैं. साथ ही साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम. इंक्लूजन इज नॉट अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज. जैसे हम कह देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड है और इस टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है, या इस टीचिंग मेथड से पढ़ाएं तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, बट इंक्लूजन के साथ ये चीज नहीं है. इंक्लूजन इज एक्चुअली अ बिलीफ इन दैट सिस्टम, अ बिलीफ इन दैट एस्पेक्ट दैट वी ऑल कैन लर्न टुगेदर. जब हम ये बिलीफ सिस्टम अपने अंदर इतना स्ट्रांग कर लेंगे तो आई एम श्योर इवन इफ देयर इज अ डर्थ ऑफ रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, द टीचर वुड मेक एन अरेंजमेंट समहाउ टू फॉल डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड. उस बच्चे की नीड्स तक पहुंच पाएगी टीचर अगर वो सेंसिटिव है उस चीज को लेकर के, अगर वो बिलीव करती है इंक्लूजन में. इफ अगर मुझे ऊपर से थ्रस्ट कर दिया गया है, लेट्स से फिर स्कूल ने डिसाइड कर लिया है कि वी आर गोइंग टू हैव इंक्लूसिव क्लासरूम्स, या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वी हैव टू हैव द इंक्लूसिव क्लासरूम्स, बट देन वी वुड रियलाइज कि इफ वी गो बाय दैट वे द काइंड ऑफ कमिटमेंट the teachers would have is going to be very different if the teacher herself feels ki wo inclusion jo hai that's going to result in something or that's the best way out or that's the best possible way out for dealing with children with special needs. So this is with every or any strategic change which comes in the classroom. कोई एक नया टीचिंग मेथड भी अगर टीचर इंट्रोड्यूस करती है क्लासरूम में, अगर टीचर उस मेथड पे खुद बिलीव नहीं करती है तो वो मेथड उतना सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं दे सकता एज कम्पेयर टू व्हेन द टीचर हरसेल्फ इज बिलीविंग इन दैट पैटर्न. तो इंक्लूजन के बारे में भी वही कहेंगे कि अनटिल एंड अनलेस द टीचर बिलीव्स इन दैट थिंग, अनटिल एंड अनलेस द टीचर होल्ड्स दैट देयर इज अ बिलीफ इन दैट सिस्टम कि यस दिस वर्क्स एंड यस दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड यस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू हैंडल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो अगर टीचर कमिटेड है, अगर टीचर मान रही है कि ये एक तरीका हो सकता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को डील करने का, तो अगर टीचर मान रही है तो शी विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर दैट. इवन जो अगर रिसोर्सेज की कमी है, सी इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सेटिंग्स वी नीड टू नेवर फॉरगेट दैट थिंग दैट वी डू नॉट हैव अ प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज टू अवेलेबल टू अस. वी आर इन अ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, हमारे पास साधनों की कमी हो सकती है, बट साधन की कमी जो होती है वो एक एस्पेक्ट होता है और एटीट्यूड की कमी जो होती है या एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना होना दूसरी चीज होती है. तो अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो शी वुड डेवलप रिसोर्सेज और शी वुड मेक थिंग्स फ्रॉम बेस्ट आउट ऑफ वेज. कुछ लिमिटेड साधनों से भी टीचर वुड मेक अरेंजमेंट कि वो क्लासरूम के अंदर उस बच्चे को अच्छे से केटर करे. सो नाउ दिस इज हाउ एन इंक्लूसिव स्कूल हैज टू बी बिल्ट और हैज टू बी इमेजिन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल we need to understand that there are certain basic things which are going to be there or which have to be there in the school. Koi bhi ek normal school ko inclusive school banaya ja sakta hai. We do not need to have a very koi nayi building banane ki zarurat nahi hai uske liye. Kisi bhi ek school ko inclusive school banaya ja sakta hai agar uske andar kuch structural changes kare jaye, agar uske school ke system ke andar kuch curricular changes kare jaye, to ek koi bhi school ko hum inclusive school room inclusive school bana sakte hain. तो उस डायरेक्शन में जो पहला स्टेप होगा दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट. सो द स्कूल हैज टू मेक दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट द स्कूल प्रोवाइड्स अ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट टू ऑल द चिल्ड्रन. नाउ व्हेन आई से लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट और LRE एज इट इज जनरली नोन एज, दिस मीन्स कि आप क्लासरूम के अंदर स्कूल के अंदर जितने भी आपके फिजिकल स्पेसेस हैं आपने उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया है, इस तरीके से अडाप्ट किया है, या इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आप लेकर के आए हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी और इंडिविजुअल पे रिलाय ना करना पड़े उस पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस को यूज करने के लिए. इसे एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे. हम जैसे एक बात करते हैं कि सपोज एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, अब वो स्कूल के अंदर एंटर करता है और वो स्कूल में एंटर करने के बाद ही नीड्स टू गो टू द थर्ड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे ही नीड्स टू गो टू द फोर्थ क्लासरूम और समथिंग लाइक दैट. Now the child cannot see. Now if the child cannot see, probably he is going to face difficulty or she is going to face difficulty in reaching to the third floor. So she uses a walking stick for that. वो walking stick use करके हो सकता है stairs भी comfortably चढ़ जाए.
अब वो ऊपर थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए बट ही इज नॉट एबल टू लोकेट द रूम। अब लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट तब बन जाएगा यदि हमने उस रूम के आगे जो वो पर्टिकुलर रूम में जाना चाहता था, लेट्स से वो म्यूजिक रूम है, तो म्यूजिक रूम की बाहर दीवार को टच करके यदि बच्चे को पता चल जाए कि इट्स अ म्यूजिक रूम, देन इट्स द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। या अगर दूसरा उदाहरण लें, जैसे हमने फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे की बात करी कि वो व्हील चेयर बाउंड है और उसको ऊपर थर्ड फ्लोर पे क्लासरूम में जाना है, तो नाउ हाउ वुड ही गो। एक तरीका तो ये है कि दो हेल्पर्स आए और उसे गोदी में उठा करके ले करके जाएं, बट दैट्स नॉट द आइडियल वे आउट बिकॉज देन देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ सिंपथी विच आर गोइंग टू बी अटैच विद द सिस्टम एंड वी डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ सिंपथी विद दीज चिल्ड्रन। वी वॉट वी वॉन्ट इज एम्पथी विद दीज चिल्ड्रन। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, अगर सपोज स्कूल के अंदर लिफ्ट का अरेंजमेंट है, सो द चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन यूज द लिफ्ट एंड एंड रीच टू द डिजायर्ड फ्लो, सो देन इट इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। जैसे हम जो पहले वाले एग्जाम्पल दे रहे थे जिसमें हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की बात कर रहे थे कि वो नहीं देख पा रहा है और हमने कहा कि उसको उस रूम को लोकेट करना है जो म्यूजिक रूम है, तो उसको वहां टच करके पता चल रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल एंड इट डजंट नीड्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट और ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ऑल्सो। आप अलग अलग तरह के पेपर्स, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ वेलवेटी टच के होते हैं, एंड पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड दे हैव अ वेरी फाइन सेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ टच, टैक्टाइल एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो आप हर क्लासरूम के बाहर कुछ उस तरह का अरेंजमेंट कर देते हैं, जैसे हम क्लासरूम के बाहर नोटिस बोर्ड लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये क्लासरूम है, वहीं आपने उसके साथ उस कलर का एक पेपर, उस टाइप का एक पेपर भी लगा दिया एंड देन ओवर द टाइम यू हैव बीन एक्सप्लेनिंग टू द चिल्ड्रन कि अगर वेलवेटी टच है तो वो म्यूजिक रूम होगा, अगर रफ टच है तो इट्स गोइंग टू बी एन आर्ट रूम। सो देन दिस इज लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। सो दिस इज वन प्राइम एरिया वेयर मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट वुड बी नीडेड और sensitivity would be needed on the part of the school management also, the teachers also, that how do they see about it? Agar wo us cheez ko utni importance dete hain, so then I'm sure they are going to make arrangements in their annual budgets also, aur un sab cheezon mein wo pravadhan rahega ki hum ek acha least restrictive environment jo hai wo classroom ke andar de. Second point is multi-age grouping. Now when we talk of multi-age grouping, this means कि अलग अलग एज ग्रुप्स को एक साथ भी कंबाइन कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चों की नीड्स और बच्चों के एबिलिटीज के आधार पे उन्हें मल्टी एज ग्रुपिंग में डाला जाता है। हालांकि राइट टू एजुकेशन के तहत अगर हम बात करते हैं तो दिस इज इन कोरोलरी टू व्हाट राइट टू एजुकेशन सेज, बिकॉज राइट टू एजुकेशन ने कहा कि आप एज के हिसाब से उसे क्लास में डाल दीजिए बट देन प्रोवाइड अ रेमिडियल क्लासेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट टू देम, या उनके साथ कुछ पहले इंटेंसिव ट्रेनिंग करी जाए सो दैट वो उस लेवल को अडेप्ट भी कर पाए। सी जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं और जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इसमें द पॉलिसी लेवल रोल ऑल्सो प्लेज अ बिगर रोल। सी एक गवर्नमेंट किस तरीके से देखती है इंक्लूसिव एजुकेशन को, सो मे बी इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इन जेनेवा और एंड इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इन इंडिया एंड प्रोबेबली इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इन फ्रांस, दे आर गोइंग टू लुक वेरी डिफरेंट बिकॉज द काइंड ऑफ पॉलिसी commitment would be there from the government is going to be very different, plus the kind of monetary resources which these schools would have is going to be very different. So ab jaise agar hum Geneva ya France ki baat karte hain to wahan number of classes, jo number of students hain classroom mein, they are very small in number, 15-20 tak bacche aa rahe hain classroom ke andar, so then adapting is going to have a very different picture. But let's say if I talk of an Indian classroom where चाहे हमने आइडियली कहा है कि 40 से ज़्यादा बच्चे या 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहते हैं, बट हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल रियलिटी है कि एक क्लासरूम में 50-60 बच्चों तक भी होते हैं, सो देन ऑब्वियसली टीचर का रोल जो होता है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है और टीचर का जो कमिटमेंट हो जाता है और टीचर की जो डिज़ायर हो जाती है, इन सब चीज़ों पर, इन सब चीज़ों पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो इवन इफ यू आर गिविंग एग्जाम्पल्स, इवन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दोज आइडियल प्रिंसिपल्स विच एन इंक्लूसिव स्कूल शुड फॉलो, राइट अलॉन्ग साइड वी नीड टू रिमेंबर that everything won't be possible in the same manner, in the manner in which it is being discussed. So we would need to adapt to it. और ये हमेशा सही रहा है कि UNESCO की कुछ guidelines आती हैं, उन्होंने international level पे दी, उन्होंने ideal levels पे दी कि ideal level पे इस तरीके से होना चाहिए, but जब practically हम करने की बात आती है तो हर एक country की अपनी एक setting होती है, हर एक country का अपना एक देखने का तरीका होता है, अपने resources होते हैं, and the child needs to adapt to that, the child I'm saying in the school system or the education system or the teachers need to adapt to it. Now even if you talk in terms of a school, different schools in India,
अगर हम जैसे हमने अभी तो फ्रांस, जेनेवा और इंडिया की बात करी है, लेकिन लेट्स से अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं, इंडिया में भी अगर आप 2 से 3 सिटीज के स्कूल लेते हैं, लेट्स से एक स्कूल है जो नॉर्थ ईस्ट के एक एरिया में है और एक स्कूल है जो पंजाब में है और एक स्कूल जो है दिल्ली में है, दे विल बी लुक वेरी डिफरेंट। नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स में हो सकता है टीचर्स को टाइमिंग्स के टर्म्स में चेंजेस करने पड़े, पंजाब में हो सकता है उतना ना करना पड़े या दिल्ली में ना करना पड़े कि यहाँ दिन निकलता है 8 बजे तक बच्चे स्कूल आराम से पहुंच सकते हैं, बट हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट में मुश्किल हो, सो दे आर द टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल में भी डिफरेंट। सो दीज आर वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स जो अडेप्ट करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लोकेशन वेयर द स्कूल इज एग्जिस्टिंग। सो वो कंटेक्चुअलाइजेशन जो है इट बिकम्स एसेंशियल डिपेंडिंग ऑन वट पर्टिकुलर नीड्स ऑफ दैट स्कूल और वट पर्टिकुलर नीड्स ऑफ दैट कम्युनिटी आर वेयर दीज चिल्ड्रन आर बींग ट्रीटेड और वेयर दीज चिल्ड्रन आर बींग एजुकेटेड। लेट्स से अगर एक ट्राइबल सेटिंग में जाकर के एक स्कूल खोलते हैं तो वहाँ जो उनकी नीड्स हैं वी नो आर वेरी डिफरेंट, वो लोग भी सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन में हैं, तो उनको डील करने के लिए वी वुड हैव टू डील इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। देन अगेन इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड सिंस वी आर अ सेक्युलर कंट्री, तो देन वी नीड टू कीप इन माइंड द रिलीजियस कंसिडरेशंस ऑल्सो इन माइंड कि किसी एक रिलीजियस फीलिंग को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए या हर्ट नहीं होना चाहिए, सो वी नीड टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड ऑल्सो। सिमिलरली इफ यू टॉक ऑफ इंडिया देर इज लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक वेराइटी विच इज देयर, पीपल इन साउथ आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, पीपल इन नॉर्थ आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम बहुत फेमसली कहते हैं कि हर 2 कोस पे हमारी बोली बदल जाती है, भाषा नहीं भी बदल गई तो वो दिखाता है कि हमारे पास कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। सो यू कैन नॉट हैव वन स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म कोड टू डिस्क्राइब और टू एक्सप्लेन कि इस तरीके से एक इंक्लूसिव स्कूल होना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स द अडेप्टेशन वुड बी नीडेड। ये मैं इनिशियल आउटसेट पे ही कह रही हूँ कि हम जब भी बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो हमने बात करी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट की, हमने बात करी मल्टी एज ग्रुपिंग की, साथ ही साथ आती है मल्टी कल्चरल एजुकेशन। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू इंडिया बिकॉज वी हैव अ लार्ज सेट ऑफ पीपल एंड वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड सो वी नीड टू हैव अ सेंसिटिविटी ऑल्सो एंड अडेप्टेशन टू दैट ऑल्सो। ना इट्स जस्ट नॉट द केस विद इंडिया, अगर हम बाहरी मुल्कों की बात भी करते हैं कि लेट्स से हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की अगर आप जनरली पॉपुलेशन देखेंगे तो जनरली इट इज़ मेड ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, ईस्ट एशिया के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के लोग बहुत माइग्रेट करते हैं यूएस में, तो वहाँ क्या है वो वहाँ मल्टीकल्चरल एजुकेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो एक अलग रूप ले लेगा। सो यू नीड टू बी sensitive to the different needs or different cultural backgrounds of people of different countries. और हम इंडियन सेटिंग में बात करते हैं तो हमारे पास एक पंजाब का बच्चा है, हमारे पास स्पेशली जो लोग मेट्रोपॉलिटन स्कूल्स में हैं, सो देर इज अ सिख चाइल्ड इन द क्लास रूम एंड देर इज अ मुस्लिम चाइल्ड इन द क्लास रूम एंड देर इज समबडी फ्रॉम द बंगाली बैकग्राउंड इज देयर, सो देन यू नीड टू हैव और यू नीड टू अडेप्ट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप एक मल्टी कल्चरल एजुकेशन जो है वो क्लास रूम के अंदर दें। नाउ जब हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बात करते हैं तो ज़रूर समझेगा कि हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जब हम कह रहे हैं तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब है कि उसमें सोशली डिसएडवांटेज भी हैं, उसमें कल्चरली डिसएडवांटेज भी हैं, उसमें लिंग्विस्टिक वेराइटी वाले लोग भी हैं। सपोज कोई संथली पढ़ता है, उसकी घर पे वही लैंग्वेज है एंड देन ही इज कमिंग टू द स्कूल, सो वो लिंग्विस्टिक वेराइटी हो सकती है। सो व्हाई मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमें समझना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट चिल्ड्रन विद फिजिकल इंपेयरमेंट या चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव इंपेयरमेंट या चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट, वी आर टॉकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल, वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम द एससी एसटी बैकग्राउंड, वी आर टॉकिंग ऑफ द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन ट्राइब्स और हु आर बिलोंगिंग टू ट्राइब्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम कल्चरली डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। So multicultural education becomes essential in any setup, in any inclusive school. The kind of multicultural education would be given would really depend on the kind of children who are coming in the school. वो किन किन cultural background से आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत हद तक निर्धारित होगा या depend करेगा कि हम किस तरह की multicultural education देंगे. Then we need to understand, this is in probably in relation to what we talked about least restrictive environment, that there should be universal design principles. So हमारे कुछ इस तरह के designs होने चाहिए जो universally applied हो, चाहे हम curriculum में बात करें, चाहे हम उसे physical environment में बात करें, but कुछ ऐसे होने चाहिए।
जैसे कुछ साइन लैंग्वेज के सिंपल्स हैं, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि कुछ साइन लैंग्वेज के सिंपल्स होते हैं या साइंस होते हैं, तो दे शुड बी पुट इन सो दैट पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो वो जो यूनिवर्सल डिजाइंस होते हैं उसमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट भी आता है, वो जरूर फॉलो होना चाहिए जब भी हम एक इंक्लूसिव स्कूल की परिकल्पना करते हैं. व्हेनेवर वी आर इमेजिनिंग अ यूनिवर्स इंक्लूसिव स्कूल, वी नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि हमारी मल्टीकल्चरल एजुकेशन है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट है, यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं. साथ ही साथ देयर वुड बी नीड टू बी सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस व्हिच वुड नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल. अब जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आता है, स्कूल में कैसा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस में करिकुलम भी आता है, करिकुलर प्रैक्टिसेस भी आती हैं, द काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स विच द करिकुलम वुड नीड टू बी मेड और विच नीड टू बी मेड इन द करिकुलम, लाइक अडेप्टेशन करना पड़ेगा, एकोमोडेशन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा करिकुलम में. सो ऑल दीज थिंग्स कम इन द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विच वी नीड टू डू. अगर ये नहीं करेंगे तो अगेन वो प्रैक्टिस फेल हो जाएगी. अब अगर हम एक इंक्लूसिव स्कूल लेते हैं, एक बहुत बढ़िया सा फिजिकली नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, नाइस मेरा मतलब अडेप्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जहाँ रैम्प्स का अरेंजमेंट है, जहाँ टैक्टाइल सेंसेस का अरेंजमेंट है, तो अगर उस तरीके से एक स्कूल बहुत बढ़िया सा बना हुआ है, लेकिन क्लासरूम के अंदर जो टीचर है शी और ही इज नॉट ट्रेन्ड फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, देन इट फेल्स. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंस आती है वो उन चीज़ों के ऊपर भी आती है कि आपने टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेन किया है कि नहीं किया. सो अ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू अडेप्टेबिलिटी और व्हेन इट कम्स टू एडॉप्शन ऑफ द इंक्लूजन इन द क्लासरूम. सो स्कूल मैनेजमेंट को यहाँ पे वुड हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन दिस मैनर ऑल्सो दैट दे आर बींग ट्रेन्ड. Now, whenever we, when we come to the government of India, right now, whatever is being happening, जो हम निष्ठा के थ्रू इतना कुछ करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है, तो उसमें यही चीज थी कि प्रिपेयरिंग द जनरल टीचर्स इन द क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम स्पेशल टीचर्स लेकर के आए, दे आर नीडेड, देर इज नो डाउट अबाउट इट कि स्पेशल टीचर्स आर नीडेड, बट देन अ सेंसिटिविटी एंड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज नीडेड ऑन द पार्ट ऑफ द जनरल टीचर्स ऑल्सो. आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो बीएड के करिकुलम में इंक्लूसिव एजुकेशन का कहीं कोई जिक्र भी नहीं होता था. 2014-15 के सत्र से मुझे ध्यान है कि देयर केम एक सब्जेक्ट आने लगा जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करने लगे, लेकिन वो भी सिर्फ बात थी, वो सिर्फ एक सेंसिटिविटी लेकर के आ सकता है, वो आपको तैयार नहीं कर सकता ऑफ डीलिंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अलग अलग वेराइटी के. तो उसके लिए जरूरी है दैट बीएड स्पेशल एजुकेशन आए या बीएड लर्निंग डिसेबिलिटी नीड ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इन द स्कूल सिस्टम. बट देन अलॉन्ग विद दैट समवेयर वी नीड टू सी कि क्लासरूम के अंदर जो नॉर्मल टीचर भी है, जो जनरल टीचर भी है, वो टीचर भी जो है वो उस तरीके से तैयार है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए भी. तो उसको वो एक सेंसिटिविटी बिल्ड ऑन करने की जरूरत है, एंड दैट सेंसिटिविटी विल बी बिल्ड ऑन बाय द ट्रेनिंग विच द टीचर इज गेटिंग. सो दैट इज द बेसिक प्रमाइस ऑफ जो हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं कि बिसाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीड टू डेवलप अ प्रॉपर एटीट्यूड, यू नीड टू डेवलप अ प्रॉपर मेंटालिटी अमंग द नॉट जस्ट अमंग द टीचिंग स्टाफ बट ऑल्सो अमंग द नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो. तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी उतना ही सेंसिटिव होना पड़ेगा कि सपोज हो सकता है कि एक 7-8 साल का बच्चा हो या 10-11 साल का बच्चा हो और उसका ब्लैडर कंट्रोल उतना अच्छा ना हो जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4-5 साल की एज में आ जाती है, बट हो सकता है वो 10-11 साल की उम्र में भी उस बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल अच्छा ना हो और एक्सीडेंटली वो क्लासरूम में यूरिनेट कर देता है. तो उसकी क्लीनिंग अगर नॉन टीचिंग स्टाफ कर रहा है तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वो एम्पथी होनी चाहिए कि उस बच्चे ने जान के नहीं किया और उस बच्चे को झाड़ा ना जाए या गुस्सा ना किया जाए इस बात के लिए. उसके साथ एक एम्फैटिक तरीके में, एम्पथेटिक तरीके में बात करी जाए और समझाने की कोशिश करी जाए या उसे ट्रेन करने की कोशिश करी जाए कि वो उसे कैसे और बेटर मैनेज कर सकता है. So training would be needed on the part of both the teaching and the non-teaching staff, administrative staff जो है स्कूल के अंदर, उसे भी उस चीज़ के लिए अडाप्ट करना पड़ेगा, उसे भी उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में एक जागरूकता रखता हो और जागरूकता के साथ साथ वो क्लासरूम में
बेटर हैंडल कर सके इन चीजों को. इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैज ए रोल टू प्ले. अगर हम और बात करें तो जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, घर से स्कूल आ रहा है या स्कूल से घर जा रहा है, तो वो बस के अंदर जा रहा है. इवन जो बस के अंदर जो बस वाले ड्राइवर भैया हैं या जो कंडक्टर भैया हैं, दे ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स. तो सेंसिटिविटी वुड बी नीडेड नॉट जस्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स और द टीचिंग स्टाफ, बट सेंसिटिविटी वुड बी नीडेड ऑन द पार्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो, ऑन द पार्ट ऑफ द सपोर्ट स्टाफ ऑल्सो, ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑल्सो. सो एवरीबडी वुड नीड टू बी सेंसिटिव. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन और टू इंडिविजुअल्स हु नीड टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू दीज थिंग्स. वी ऑल वुड नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट. इवन द पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स का भी अपना एक रोल आ जाता है. देखिए, जो पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, वो तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव इन चीज़ों को लेकर के होते ही हैं, लेकिन जो पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन नॉट विद स्पेशल नीड्स हैं, यानी वो जो जनरल कैटेगरी, अगर हम बहुत साधारण भाषा में समझें कि जिनकी कोई स्पेशल नीड्स नहीं है, उन पेरेंट्स को भी यू नीड टू ट्रेन, और उन पेरेंट्स को भी यू नीड टू ब्रिंग एन एटीट्यूडनल चेंज. सी, बहुत रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि कई बार इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर या इंक्लूसिव क्लासरूम्स के अंदर द टीचर डज नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. माने मेरा बच्चा नहीं है, किसी भी तरह की उसकी कोई डिफॉर्मिटी है, एबिलिटी या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद मुझे वो ठीक ही ना लगे कि वो बाकी बच्चों के साथ क्यों पढ़ रहा है, या वो एक हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ. ऐसी कंप्लेन्स भी आती हैं पेरेंट्स के पार्ट पे कि अगर वो हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ पढ़ेगा या वो ऑटिस्टिक बच्चे के साथ पढ़ेगा तो उसके अंदर भी वो लक्षण आ सकते हैं. तो ये सेंसिटिविटी तो पेरेंट्स के अंदर लानी पड़ेगी कि इट इज़ नॉट समथिंग कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस नहीं है कि एक बच्चे को अगर है और उसके साथ दूसरे बच्चे रह रहे हैं तो उनको भी हो जाएगी. तो ये अगर एक स्कूल सिंसियरली सोचता है कि उसको इंक्लूसिव स्कूल बनाना है, तो उसको ये वाली ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, नॉट जस्ट टू द स्कूल स्टाफ, माने टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सपोर्ट स्टाफ, बट उसके साथ साथ ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, जो बाकी बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको लेकर के. जैसे यहाँ एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी. देयर वाज दिस प्रोजेक्ट ऑफ लेडी ओवन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, इनेबलिंग सेंटर करके. अब इनेबलिंग सेंटर जो था वो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया था, और उसमें यही देखने की कोशिश करी गई थी कि इंक्लूसिव सेटअप में बच्चे जब पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है. बट पेरेंट्स हमें नहीं मिल रहे थे. आई हैव वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम इन लेडी ओवन एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम लेडी ओवन, सो इसलिए हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी है. वो पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे जो अपने बच्चे को ऐसी सेटिंग में भेजना चाहेंगे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. एंड आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग विच इज 30 ईयर्स बैक. तो तब तो सेंसिटिविटी जो थी वो इन चीज़ों को लेकर के और कम थी. आज की डेट में तो देर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन दिस पार्ट, बट उस वक्त सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम थी. तो वो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फिर हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि सिंस वी वॉन्ट एन इंक्लूसिव सेटअप, सो लेट्स हैव चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन. उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनको तो यही अच्छा लग रहा था कि उनका बच्चा स्कूल जाने वाला है और उनका बच्चा पढ़ने वाला है. तो वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन के बच्चे और जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे, इन दैट सेंस, जो मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कहेंगे, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट थी, कोई सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा था, कुछ था, तो वो सारे के सारे इकट्ठे पढ़ रहे थे. तो वो एक्सपेरिमेंट वॉज सच अ सक्सेस फॉर अस टू सी कि एक्चुअली में इंक्लूसिव सेटिंग इज वर्किंग गुड फॉर बोथ ऑफ देम. इंक्लूसिव सेटिंग वॉज वर्किंग वंडर्स फॉर नॉट जस्ट फॉर द पीपल और नॉट जस्ट फॉर द चिल्ड्रन हु हैड सर्टन काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज या किसी भी तरह की नीड्स उनकी स्पेशल थी, बट इट वॉज वर्किंग वेरी वेल फॉर दोज चिल्ड्रन ऑल्सो हु डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ स्पेशल नीड्स. इकोनॉमिक जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं होता. तो वो इवन दोज चिल्ड्रन वर प्रोग्रेसिंग एंड दोज चिल्ड्रन वर बिकमिंग मोर अडेप्टेबल टू द सोसाइटी, दे वर मोर सेल्फ रिलायंट, दे वर मोर सोशली, दे वर मोर इक्विप्ड नाउ. तो ये बात क्यों यहाँ लेकर के आ रही हूँ कि दोनों चीजें हैं, कि वहाँ ट्रेनिंग की जो बात हम कर रहे थे कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और पेरेंट्स, तीनों की टीचिंग करनी पड़ेगी. तो ये इनेबलिंग सेंटर का बेसिक प्रेमाइस था कि सारा जो टीचिंग स्टाफ था दैट वाज तो ऑब्वियसली सेंसिटाइज टू इट, बट इवन द नॉन टीचिंग स्टाफ जो था, जो आया थी वहां पर या जो कुक थी वहां पर, बिकॉज मील्स वर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दैट सेटिंग, जो कुक थी वहां पर, दे ऑल वर वेरी सेंसिटिव टू दिस एस्पेक्ट कि वी आर हैंडलिंग अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रन एंड वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ओकेजनल रिफ्रेशर प्रोग्राम्स पेरेंट्स के साथ भी, जस्ट ऑफ द पेरेंट्स हु हैड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बट ऑल्सो विद पेरेंट्स हु डिड नॉट हैड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके साथ भी किए जाते थे और एक सेंसिटिविटी बनाने की कोशिश करी गई थी एंड इट वर्क, इट रियली वर्क विद देम.
So that's something which we all need to understand, that this is going to be something which is going to be very useful, not just for the children with special needs, but even for the larger section of the society. So agar hum ye kar payenge, so we are going to achieve what we are aiming for. We are, because eventually what we are aiming for is an inclusive society. हम किसी भी तरीके से एक डिवाइडेड सोसाइटी नहीं चाहेंगे, हम किसी भी तरीके से एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी नहीं चाहेंगे, बिकॉज दैट डजेंट डू एनी गुड टू द सोसाइटी. तो अगर हम लार्जर गुड पे सोसाइटी की सोचते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इट्स गोइंग टू डू गुड अगर हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस लेकर के आते हैं क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, बट येस विद प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द टीचिंग स्टाफ, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विल ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर attitudinal training of the children, of the parents also. जब हम parents को equip करेंगे तो हम उन बच्चों के तो automatically उन बच्चों पे काम कर रहे होंगे जो children with not with special needs हैं. माने जो वो normal category के children हैं जिनकी कोई special needs नहीं है, उनके साथ भी एक काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए भी कई बार वो दूसरे बच्चे जो हैं वो मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए. तो जैसे एक बहुत छोटा सा example दूंगी, I always remember this thing whenever I remember of my son's childhood. He once came back from the school and he said कि मैं फलाने फलाने लड़के के साथ नहीं बैठूंगा. मैंने कहा why won't you sit with that child? He said he's very dark in color और मैं भी काला हो जाऊंगा अगर मैं उसके साथ बैठूंगा. So this was an eye opener for me because I was a very sensitive mother. तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता, kind of like you get over cautious about those things. But then when I went to his classroom और देखा और teacher से बात करी, तो teacher ने बताया कि एक वो एक जनरल जोक सा बन गया है क्लासरूम के अंदर, किसी एक बच्चे ने कह दिया है तो वो बाकी सब भी, एंड दे आर इन एज जो बहुत ससेप्टेबल टू फैक्ट्स हो जाती है, कि वो बहुत दूसरों से हम बहुत जल्दी चीज़ें पिक ऑन कर लेते हैं, बिकॉज 4-5 साल के बच्चे की समझ उतनी डेवलप नहीं होती, तो वो दूसरों की बातों में जैसे हम कहते हैं कि जल्दी से आ जाता है, और वो स्पेशली जब आपके फ्रेंड्स भी कह रहे हैं. सो देन द टीचर नीडेड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग दैट शी सैट विद द चिल्ड्रन. उन्होंने बाकी बच्चों से भी बात करी, एंड देन शी मेड दोस थिंग्स, उस बच्चे के साथ बैठी, हैंड्स रब किए, सब कुछ किया, एंड शी सेड कि सी माय कलर डिडंट चेंज. सो दिस इज जस्ट अबाउट द कलर, दिस इज जस्ट एन आउटसाइड कलर एंड डजंट इन्फ्लुएंसेस, या वो उस चीज को प्रभावित नहीं करता कि वो बच्चा कैसा है. वो बच्चा हो सकता है कि उसको उसके बच्चे को पहचानो, या उसकी एबिलिटीज देखे, या उसकी क्षमताएं देखें. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस एग्जांपल, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन, व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर. But just imagine when there are children with physical impairments, children with autistic symptoms, or children with linguistic problems. So then it gets understandable कि ये बहुत आगे तक बात जा सकती है. And we need to somewhere adapt to these kind of things. That हमें ये change लाना है, तो उसके लिए attitudinal परिवर्तन is something which, or yeah, attitudinal change is something which is the first thing I guess which we should work on. Infrastructure etc. is a lot dependent on the money. Or lot dependent on the will of the management, but attitudinal change is something which I guess ki easily kiya ja sakta hai on the part of the teachers also. So wo agar sensitivity hamare teachers ke andar hogi, so they will make all kinds of efforts so that they reach to the children. Now we need to understand that what are the different kind of beliefs about the children in any inclusive school. Ye it's a repetition of what we have been discussing, but we need to structure it down also, because ये हमें एहसास कराएगा कि हम क्यों एक इंक्लूसिव सेटिंग में बिलीव करना चाहते हैं, या हम क्या बिलीव करते हैं उन बच्चों के बारे में जो इंक्लूसिव स्कूल में हैं. तो पहला मेरा बिलीफ आएगा कि हर बच्चा कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो एबिलिटी के किसी भी पायदान पे खड़ा हो, किसी भी तरह की उसकी डिसेबिलिटीज हो, या किसी भी तरह की उसकी स्पेशल नीड्स हो, हर बच्चा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है क्लासरूम के अंदर. तो अगर मैं ये बिलीफ सिस्टम के साथ चलूंगी, तो आई वुड हैव अ फेथ इन द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. And I would have a faith that it is not just keep children without special needs to him. They are the ones who are giving, and these are the ones who are receiving. Ispe ek, there is something which I would like to share. There was this school, I don't want to name the school because maybe it may not be right on this kind of forum. But what they did was, they used the kind of peer tutoring. Now peer tutoring is something which we all are familiar with, jahan pe hum peers ko couple kar dete hain, aur ek peer se dusra peer seekhta hai. लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि नॉर्मली इंक्लूसिव सेटिंग में अगर आप बात करेंगे, तो हमारे लिए पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होगा एक सक्षम बच्चे को एक असक्षम बच्चे के साथ आप ग्रुप इन कर दीजिए, और सक्षम बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा असक्षम बच्चे को सिखाने के लिए. लेकिन इस स्कूल ने क्या किया, विच वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट फॉरगेट अबाउट इट, और वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे. बट दे डिड वॉज
उन्होंने एक असक्षम बच्चा लिया जो एज में बड़ा था और उसको एक छोटे एज के सक्षम बच्चे के साथ कपल किया. एंड व्हाट दे डिड वाज कि ये जो असक्षम बच्चा है ही और शी इज गोइंग टू हेल्प दैट सक्षम चाइल्ड इन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज. बट द पॉइंट वाज कि वो जो असक्षम बच्चा है वो क्लास में बड़ा था, मतलब जैसे 9th का बच्चा था तो उसे एक सक्षम बच्चा जो 7th का था उसके साथ कपल इन कर दिया गया. नाउ दैट वाज सच एन आई ओपनर नॉट जस्ट फॉर अस बट इवन फॉर द चिल्ड्रन. उनको समझ में आया कि ये जो चीज हम हमेशा सोचते हैं कि हमने देना है और वो लेने वाली कैटेगरी में है, दे वुड अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट जस्ट दैट, वी कैन ऑल्सो बी द रिसीवर्स एंड दे कैन ऑल्सो बी द गिवर्स. जिस दिन इस अंडरस्टैंडिंग पे हम आ जाएंगे उस दिन हमारी एम्पथी बननी शुरू हो जाएगी और सिंपथी बननी खत्म हो जाएगी. नाउ एज सुन एज वी गेट डाउन टू दैट लेवल ना, दैट्स गोइंग टू बी द, फॉर मी दैट्स गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ ट्रू इंक्लूसिव एनवायरमेंट इन अ स्कूल. अगर ट्रू इंक्लूसिव स्कूल बनाना चाहते हैं तो पहला प्रेमाइस तो हमें यही चेंज करना पड़ेगा कि हम उन बच्चों के बारे में कैसा सोचते हैं जो स्पेशल नीड्स हैं. तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि दे आर द वंस हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट, दे आर द वंस हु हैव दैट एबिलिटी दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड एवरी चाइल्ड हैज दैट एबिलिटी. सी जब हम इंक्लूसिव कह रहे हैं और जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव स्कूल में जो एक गड़बड़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि फोकस जो है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स. बट दैट्स नॉट, दैट शुडंट ऑल्सो बी द केस. आपको दोनों को ही केटर करना है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी और चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स को भी. द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज और विच यू ऑट टू डू इज दैट यू वुड हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा टू चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स बिकॉज दे आर द वंस हु नीड हैंड होल्डिंग इन सर्टन मैनर. हो सकता है एक इनिशियल स्टेज पे ही सिर्फ उन्हें चाहिए हो कि हैंड होल्डिंग करी जाए और उसके बाद उस हैंड होल्डिंग की जरूरत ना पड़े, बट इनिशियल स्टेज पे हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी. सो फॉर दैट दे वुड नीड टू डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स कि आप अडेप्ट करें क्लासरूम के अंदर और आप कुछ एक्स्ट्रा उन्हें देने की कोशिश करें, मे बी इन टर्म्स ऑफ करिकुलर मॉडिफिकेशन, मे बी इन टर्म्स ऑफ द असेसमेंट कि आप कैसे कर रहे हैं बच्चों की. तो वो सारी चीजों को देखते हुए जब हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो वी विल बी एबल टू अडेप्ट टू दोस काइंड ऑफ थिंग्स. कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग कि हम बेसिक प्रिमाइस क्या लेकर के चल रहे हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच चाइल्ड इन द क्लासरूम कैन कॉन्ट्रीब्यूट, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है चाहे वो विदाउट स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, बट हर बच्चा क्लासरूम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. अगर इस प्रिमाइस से हम चलते हैं और साथ ही साथ ये चीज कि क्लासरूम जो है जो इंक्लूसिव क्लासरूम है दैट्स गोइंग टू बेनिफिट एवरी वन, दैट्स गोइंग टू बेनिफिट द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो एंड दैट्स गोइंग टू बेनिफिट द चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स ऑल्सो एंड दैट्स गोइंग टू बेनिफिट द टीचर ऑल्सो एंड दैट्स गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी ऑल्सो. तो अगर इन दो आधारों पर हम चलेंगे तो हाफ द जॉब इज डन बिकॉज देन दैट मीन्स दैट वी एक्चुअली बिलीव इन दैट सिस्टम. अंटिल अनलेस वी हैव दैट 100% बिलीव इन दैट सिस्टम वी वोंट बी एबल टू अडैप्ट टू इट और वी वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम इन ट्रू सेंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. अब मूविंग फर्दर वी नीड टू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ मॉडल्स विच दे आर इन एन इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग, मतलब किस तरह के मॉडल्स क्लासरूम के अंदर बनाए जाते हैं या किस तरह के मॉडल्स पे इंक्लूसिव स्कूल्स आधारित होते हैं या इंक्लूसिव क्लासरूम्स आधारित होते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर अगेन इनिशियल स्टेज पे ही बोलना चाहूंगी कि ये सजेस्टिव मॉडल्स हैं. हर स्कूल की अपनी नीड्स हैं, हर क्लासरूम की अपनी नीड्स हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, हर कंट्री की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी है. सो थिंग्स वुड वेरी बट दीज आर टू मॉडल्स विच हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. अगेन अलग अलग कंट्रीज में करे गए हैं बट अडेप्टेशन के साथ दे कैन बी डन इन इंडिया ऑल्सो. जैसे एक मॉडल है जो पर्टिकुलरली फ्रांस के स्कूल्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर देर आर टू टीचर्स, एक जनरल टीचर है क्लासरूम के अंदर और एक असिस्टेंट टीचर है, बट दे हैवंट मेंशन एनीथिंग अबाउट कि असिस्टेंट टीचर की कोई स्पेशल ट्रेनिंग करी जा रही है या नहीं करी जा रही. तो शी इज अ नॉर्मल टीचर बट वो असिस्टेंट टीचर है. ऑब्वियसली वो क्लासरूम टीचर से असिस्टेंट टीचर है तो शी इज लोअर ऑन एबिलिटीज या शी इज लोअर ऑन ट्रेनिंग, शी इज लोअर ऑन पे स्केल ऑल्सो. वाई आई एम मेंशनिंग हियर इज बिकॉज दीज थिंग्स डू मैटर. तो वहाँ वो पे स्केल कम पे है, लोअर एबिलिटीज होंगी या लोअर ट्रेनिंग होगी, एबिलिटीज ना कहें तो लोअर ट्रेनिंग लेवल्स होंगे. तो वो एक तरह का स्कूल सिस्टम है तो इसमें क्या हो रहा है कि टीचर क्लासरूम के अंदर पढ़ा रही है और जो ये असिस्टेंट टीचर है शी इज मे बी हेल्पिंग द चाइल्ड स्पेशल नीड्स या वो बाकी बच्चों की भी मदद कर रही है. तो शी इज जस्ट बीइंग एन असिस्टेंट टीचर. दिस इज वन सेटिंग. और एक जो अमेरिका में किया जा रहा है बहुत सारे स्कूल्स में, उन्हें उन्होंने क्या किया है कि एक तो जनरल टीचर है हु इज सेंसिटिव टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ध्यान दीजिएगा ये बात पे क्योंकि
जनरल टीचर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है क्लासरूम में, चाहे वो हो सकता है कि स्पेशल टैक्टिक्स से बच्चे को ना पढ़ा रही हो, बट उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है बिकॉज शी इज सेंसिटिव टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। प्लस देर इज अनदर टीचर इन द क्लासरूम हु इज अ ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेशनिस्ट, माने वो उसने ट्रेनिंग ले रखी है और वो जनरल टीचर के साथ ही क्लासरूम में है एंड शी इज वर्किंग विद ऑल द चिल्ड्रन बट विद अ स्लाइटर मोर फोकस ऑन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे वेरी कर सकते हैं, एज वी ऑल नो कि हो सकता है एक बच्चा है जो ही इज डूइंग गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स बट ही इज नॉट डूइंग दैट गुड इन मैथ्स, तो वहाँ उसको जरूरत हो सकती है कि उसको मैथ्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा कराया जाए, तो वहाँ वो जो स्पेशल एजुकेटर उसके साथ मैथ्स के लिए वो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे के साथ भी बैठती है और उसको पढ़ाती है, तो दैट इज केटरिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज अनदर मॉडल विच इज जनरली विच इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन अमेरिका, बट इफ यू कम डाउन टू इंडिया देर आर लॉट्स ऑफ मॉडल्स विच आर वर्किंग हेयर ऑल्सो। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, अगेन सी इट मैटर्स कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट एबिलिटीज हमारी हैं और किस तरह के ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों हमारे पास हैं। ना इफ आई टॉक ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, दे हैव मेड इट ऑलमोस्ट कंपल्सरी दैट एवरी स्कूल शुड हैव अ स्पेशल एजुकेटर, बट इवन विद वन स्पेशल एजुकेटर इन द स्कूल इट डजंट केटर्स टू ऑल द चिल्ड्रन हु आर देयर इन द स्पेशल एजुकेशन सेटिंग। तो हो सकता है क्लास के अंदर स्कूल के अंदर 1-2 हज़ार बच्चों के स्कूल के अंदर हो सकता है 100 बच्चे हों जो स्पेशल नीड्स के हों, बट दैट टीचर मे नॉट बी एबल टू केटर टू 100 चिल्ड्रन। और अगेन जो हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो जनरली बीयर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी या बीयर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट इस तरह के होते हैं, तो अगेन वहाँ क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो नीड है या स्पेशल नीड्स हैं या डिसेबिलिटी है उसमें उस टीचर का स्पेशलाइजेशन ज्यादा है एंड द टीचर इज नॉट वेरी वेल अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ द अदर चिल्ड्रन। तो वहाँ दिस इज वन मॉडल विच इज गोइंग ऑन, बट वट दे हैव डन इज दे हैव क्रिएटेड क्लस्टर्स ऑल्सो। तो 4-5 स्कूल्स को मिला करके एक ग्रुप बना दिया गया है ऑफ देयर स्पेशल एजुकेटर्स एंड दे केटर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के स्कूल्स में भी जा रहे हैं फॉर गिविंग सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग यार मिल रहे हैं एटलीस्ट डिस्कस करने के लिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं उस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग इन वन सेटिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि सी आर कंट्री रिसोर्सेज आर ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल। हमारे जो एसएससी के आधार पे भी अगर हम चलते हैं तो इवन इन देन इवन इन एसएससी वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमने जब हमने बात करी कि सर्व शिक्षा अभियान और हमने कहा हर बच्चे तक शिक्षा को लेकर के जाना है, तो जो बच्चा स्कूल नहीं आ सकता है हम उस तक शिक्षा लेकर के जाएंगे। तो यहाँ जब हम जो बच्चा स्कूल नहीं आ सकता मैं बात करें, तो हम उन्हीं बच्चों की बात करें जिनकी चिल्ड्रन हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनकी फिजिकल नीड्स अलग हैं और वो नहीं पहुँच पा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो और या इतने असक्षम हैं कि वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ क्या किया जाता है कि क्लस्टर लेवल पे रिसोर्स टीचर्स बना दिए गए हैं और वो रिसोर्स टीचर्स जो उन बच्चों के घर जाते हैं मे बी वंस ए वीक और मे बी ट्वाइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन कि वो बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की नीड्स क्या हैं, उस हिसाब से घर पहुंचा जाता है और वहां उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इस मॉडल में और क्या किया जाता है कि फैमिली को इक्विप किया जाता है, माने पेरेंट्स को भी एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भी बच्चों के साथ एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके थ्रू आउट द वीक। स्पेशल एजुकेटर या जो रिसोर्स पर्सन है वो तो हफ्ते में 2 बार ही जा रहा है या 3 बार ही जा रहा है, तो बाकी 4 दिन क्या हो, तो वो ट्रेनिंग भी पेरेंट्स को दी जाती है। जैसे अगर हम आज के सर्कमस्टांसेस में बात करें तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद वी वर नॉट गेटिंग इन टू दोज नीटी ग्रिटीज, बट नाउ वी हैव टू डू इट बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट। आई रिसेंटली ऑन फेसबुक ओनली आई सॉ अबाउट अ स्कूल विच इज टॉकिंग अबाउट होम स्कूलिंग, अ स्कूल विच इज टॉकिंग अबाउट होम स्कूलिंग, दे आर सेइंग दे कॉलिंग इट एजुकेशन एट होम। नाउ वट इज हैपनिंग बिकॉज इट्स अ प्री स्कूल सेटिंग, प्राइमरी स्कूल तक है, क्लास 2-3 तक है, सो वट दे हैव डन इज कि उन्होंने जो टीचर्स हैं उन्होंने पेरेंट्स को टच में लेकर के आए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट फिजिबल विद दिस यंग सेट ऑफ किड्स ऑल्सो, और दे एटलीस्ट थॉट ऑफ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज। सो वट दे आर डूइंग इज दे हैव सेटअप कॉल्स विद पेरेंट्स और उन पेरेंट्स को बताया कि हम आगे बच्चों के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं या उन बच्चों को कैसे ऑक्यूपाइड रख सकते हैं या कैसे पढ़ा सकते हैं, तो थ्रू दैट मैनर दे आर रीचिंग द चिल्ड्रन। नाउ फॉर मी इफ आई गो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एज ऑफ नाउ ऑल चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिकॉज दे आर बाउंडेड इन देयर होम्स, दे आर नॉट एबल टू डू द नॉर्मल फिजिकल रेगुलर एक्टिविटीज, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन टेलीविजन, दे आर डिपेंडेंट ऑन मोबाइल्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर अ लॉन्गर थिंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल चिल्ड्रन आर विद स्पेशल नीड्स,
एनीवेज कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ जो हम इंक्लूसिव सेटअप का मॉडल या इंक्लूसिव मॉडल जो हम इंडियन सेटिंग्स में बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ एजुकेशन, एंड इफ द स्कूल इफ द चाइल्ड कैन नॉट कम टू द स्कूल, लेट द स्कूल गो बैक टू द चाइल्ड, लेट द एजुकेशन गो बैक टू द चाइल्ड. सो रिसोर्स टीचर्स जो हैं वो घर पर भी जा रहे हैं. नाउ जैसे ही हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, वी रियलाइज दैट देर इज अ नीड ऑफ टीचर हु इज सेंसिटिव टू विद स्पेशल नीड्स, देर इज अ नीड ऑफ स्पेशल एजुकेटर. बिसाइड्स देर इज अनदर सेट ऑफ पीपल हु वुड बी नीडेड इन एन इंक्लूसिव स्कूल. यू वुड नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर द पर्पज, यू वुड नीड अ स्पीच थेरेपिस्ट फॉर द पर्पज, प्रॉब्ली यू मे नीड अ साइकोथेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो हु इज अवेलेबल इन द क्लास रूम. देन देर यू वुड बी नीडिंग समबडी हु इज ट्रेन्ड टू हैंडल चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इंक्रीज. नाउ वंस दे आर गोइंग टू गेट इंक्रीज, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बजट ऑल्सो. तो वो सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही अ स्कूल वुड थिंक ऑन कि मुझे कैसे करना है. एंड द बेस्ट आइडिया वुड बी बिकॉज फॉर एवरी वन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी कि आप सीधा के सीधा आप पंप इन कर दीजिए रिसोर्सेज. तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी अ गुड आइडिया अगर हम ट्रू सेंस में इंक्लूसिव स्कूल बनाना चाहते हैं कि एक लोकेलिटी में तीन चार स्कूल्स हैं तो वो शेयर कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को. एंड देयर मे बी अ टीचर हु इज फॉर 2 डेज शी इज गोइंग टू वन स्कूल एंड फॉर अनदर 2 डेज शी इज गोइंग टू अनदर स्कूल, फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक शी इज गोइंग टू अनदर स्कूल. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी विच इज विच स्कूल्स शुड एटलीस्ट एक्सप्लोर एंड लेट सी कि वो कितना उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर. वी नीड टू सी कि जितनी भी इफेक्टिव लर्निंग होती है क्लासरूम के अंदर, दैट वुड कम फ्रॉम द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. अगर हम चाह रहे हैं कि हम इफेक्टिव लर्निंग करें इंक्लूसिव स्कूल में, तो कोलैबोरेशन वुड बी समथिंग विच वुड बी अ डायर नीड ऑफ दैट स्कूल. व्हाई कोलैबोरेशन से यहाँ मतलब है कि कोलैबोरेशन बिटवीन द टीचर्स, यानी टीम टीचिंग की बात करेंगे, कोलैबोरेशन बिटवीन द सोसाइटी एंड द स्कूल, कोलैबोरेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्कूल. तो पेरेंट्स और स्कूल के बीच में भी जो कोलैबोरेशन है वो बहुत एसेंशियल है उस चीज को समझने के लिए कि हम इफेक्टिव लर्निंग कैसे करें. तो यहाँ आपको पेरेंट्स को भी इक्विप करना पड़ेगा, माने पेरेंट्स को भी बेसिक स्किल्स सिखाने पड़ेंगे ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. सी अगेन कमिंग टू बैक टू माय एग्जांपल, अगेन व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स आई वाज डूइंग अ केस स्टडी ऑन अ चाइल्ड विद ऑटिस्टिक ऑटिज्म. So what was happening when we did a case study, we were supposed to explore the home environment also. और जब हमने home environment explore किया तो we realized कि the mother of the child is handling the child in a different manner, the father of the child is handling the child in a different manner, and the grandfather, there was another element in the house, the grandfather was dealing it in a very different manner. एक ही बच्चा है बट उसको तीन अलग अलग तरीकों से handle किया जा रहा था for the same behavior. Now if people whoever is familiar with autism would understand कि autism का मतलब है कि consistency चाहिए, कि आपको अगर कोई behavioral change उनके अंदर लेकर के आना है तो all of them should behave in the same manner with the child. So यहाँ पे ये gap इतना बड़ा था देखने के लिए भी और समझने के लिए भी कि why the child is not progressing, because school एक अलग तरीके से react कर रहा है, parents अलग तरीके से, mother और father अलग तरीके से, और grandfather. So the child is getting exposed to 4 different manners. That is not going to be healthy for the child in any manner. So we need to understand that the parents need to be involved in the learning of the child. और जैसे ही हम parents को involve करने की बात करते हैं तो वो भी again proper training के साथ होगा. Plus यहाँ पर भी वो बात जरूरी है समझना कि parents can also be the contributors to the system. We should not demean them also. जैसे हमने पहले बात करी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड को ऐसा ना समझाया जाए कि दे आर द रिसीवर्स एंड द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर द गिवर्स. सेम इज विद द पेरेंट्स ऑल्सो. द पेरेंट्स, सिंस द चाइल्ड इज लिविंग विद द पेरेंट्स फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द डे, सो दे वुड बी नोइंग देयर चाइल्ड इन अ मच बेटर मैनर. एंड द स्कूल शुड रियलाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो. स्कूल को भी रियलाइज करना चाहिए कि ये पेरेंट्स जो हैं दे मे बी टेलिंग मी समथिंग अबाउट द चाइल्ड विच आई मे नॉट जस्ट बी नोइंग. मुझे पता ही ना हो कि बच्चा ऐसा भी करता है, मेरी असेसमेंट में ही ऐसी कोई चीज ना आई हो, बट वो पेरेंट्स उस चीज के बारे में जानते होंगे. तो पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी गिवन एन इक्वल फुटिंग इन दैट मैनर, कि एक बराबरी का दर्जा दिया जाए कि यस दे आर ऑल्सो बी द कॉन्ट्रीब्यूटर्स. सो इफ द इंक्लूसिव स्कूल वर्क्स और इफ द इंक्लूसिव स्कूल यू वॉन्ट टू वर्क ऑन, तो देन यू नीड टू सी कि आप किस तरीके का एफर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को भी साथ में लेकर के आने का. एंड वी नीड टू समवेयर अंडरस्टैंड दैट डाइवर्सिटी जो है वो सबको एनरिच करती है. अगर ये फिर वही एटीट्यूड की बात आ जाती है कि अगर डाइवर्सिटी एनरिच करती है, एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड दैट
as school management, they understand that, and as children understand that, then obviously you will encourage diversity in the classroom. हमारे साथ क्या होता है कि अगेन एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस चीज को लेकर के भी, हमारे साथ कितनी बार क्या होता है कि क्लासरूम में एक टीचर एक आंसर डिक्टेट करती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही आंसर वापस आंसर शीट में लिखा हुआ आना चाहिए. सो वो जो है दैट इज लिमिटिंग द डाइवर्सिटी. इफ यू वॉन्ट टू एनकरेज डाइवर्सिटी देन यू नीड टू सी कि आप डिफरेंट आंसर्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो एनकरेज द चिल्ड्रन टू गिव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज. आई हैव सीन ड्रॉइंग की क्लास चल रही है which is supposed to increase the creative abilities of the children or the creative thinking of the children. और टीचर कहती है कि एक विलेज का सीन बना दो और वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर वही ट्रेडिशनल हट बना करके और माउंटेन बना करके और सन बना देती है और कहती है विलेज सीन बना दो. तो शी हैज ऑलरेडी गिवन एन आइडिया टू द चिल्ड्रन. शी इज नॉट इंक्रीजिंग और शी इज नॉट एनहांसिंग द क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. इफ यू रियली इंटेंड टू डू दैट देन यू नीड टू लीव द ब्लैक बोर्ड ब्लैंक. You need to wipe out everything from the blackboard so that students do not get any idea or ready-made ideas. आज वैसे ही हम इतना struggle कर रहे हैं इस चीज़ से क्योंकि accessibility of internet is to for every child. Almost every child is exposed to internet. और उनको कुछ सोचने के लिए कह दिया जाए तो वो सबसे पहले Google खोल करके देखते हैं. So that's already crippling the thought process of the child. To me, at least, it is crippling. It may have its advantages, but it is having a larger scale of disadvantages also because the children are not able to think on their own. They need to have Google to think on. Anyways, coming back to what we were talking of, ki diversity ko encourage karna hai classroom ke andar to push on what is happening in the classroom. Now, there are some key elements to building an inclusive school. Number one is including all the children, all the students in learning together. So वो कहीं नहीं होना चाहिए कि आपने उन्हें क्लासरूम में इकट्ठे बिठा दिया है लेकिन मैथ्स का पीरियड आता है तो आप एक सेट ऑफ बच्चों को कहते हैं आप दूसरे क्लासरूम में चले जाइए, या लैंग्वेज का पीरियड आता है तो आप कह देते हैं कि दूसरे में चलिए. वो इंक्लूजन नहीं है. इंक्लूजन तब है जब एक ही क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं. तो वो मैं मैथ्स का करिकुलम हो सकता है उस बच्चे के लिए चेंज कर दूँ थोड़ा सा. मुझे पता है कि वो डिवीजन नहीं कर पा रहा अभी और बाकी सारे बच्चे डिवीजन तक पहुंच गए हैं या वो टू नंबर डिवीजन तक पहुंच गए हैं, तो मैं इस बच्चे के साथ इतना चेंज लेकर के आऊंगी कि मैं वन डिजिट डिवीजन पे ही इसके साथ चल रही हूँ. सो दैट इज माय स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूजन. सो इंक्लूजन अगर हम ट्रू सेंस में बात करते हैं तो सारे एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ने चाहिए. येस देयर मे बी सम एक्सेप्शनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड जिसके लिए उसे अलग सेटिंग में लेके जाना पड़े या आउट ऑफ द स्कूल उसको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए. That is allowed, that is permissible, but largely they should be sitting in the same classroom. Then there should be multi-level authentic instruction for learners of diverse abilities. So multi-level, माने again जो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग एबिलिटीज के हैं अलग अलग लेवल्स के हैं तो वो multi-level instruction होनी चाहिए because of the different abilities, different needs of the children. Then you need to build a community to meet the needs of the children. वो एक कम्युनिटी लेवल पे भी मुझे वो एफर्ट करना पड़ेगा टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद बिहेवियरल चैलेंजेस. अब वो क्लासरूम के अंदर भी मुझे करना पड़ेगा कि मैं आई एम सेंसिटाइजिंग द अदर टीचर्स आल्सो, अदर स्टूडेंट्स आल्सो, दैट हाउ डू दे रिएक्ट टू द बिहेवियरल चैलेंजेस ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली पीपल चिल्ड्रन विद हाइपर एक्टिविटी, जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से होते हैं या अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर होता है या ऑटिस्टिक होते हैं, दे हैव बिहेवियरल चैलेंजेस. तो वहाँ पर जरूरी बन जाता है कि आई इक्विप द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो टू हैंडल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो हो सकता है उसके लिए मुझे कई बार उस बच्चे को गुस्सा भी करना पड़े, कई बार प्यार से भी करना पड़े, कई बार स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में भी रखना पड़े. सो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड ऑफ द चाइल्ड आई वुड नीड टू डू दोज काइंड ऑफ अरेंजमेंट. देन something which needs not to be forgotten and which should be always remembered is that you need to provide support to the teachers also. When you have teachers, when you have students with special needs in your classroom, it becomes necessary on the part of the school or the management or the administrative people like the principal or other senior people that they help the teacher, that they provide support to the teacher also. Ki ho sakta hai ki abhi वैसे वाले हालात ना बने हो कि आपके सारे टीचर्स जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन से इक्विप्ड हों या स्किल्स उनके पास सारे हों, तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप ऐसी सेटिंग में टीचर्स को सपोर्ट करें. टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है किसी तरह के रिफ्रेशर प्रोग्राम में उन्हें भेजा जाए या हो सकता है कि उनके साथ किसी और को बैठने के लिए बोला जाए कि दो टीचर्स एक साथ क्लासरूम में बैठ रहे हैं, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन द क्या रिसोर्सेज हैं और क्या उस क्लासरूम में सिचुएशंस हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा.
साथ ही साथ एक और की एलिमेंट जो इंक्लूसिव स्कूल की सक्सेस के लिए जरूरी है वो है पार्टनरिंग विद द पेरेंट्स। जो हमने पहले भी कहा कि पेरेंट्स को पार्टनर्स बना दीजिए, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। मतलब इफ आई एक्चुअली टॉक ऑफ जो बेसिक प्रिमाइस होते हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स में बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसमें हम असेसमेंट के बाद, बच्चे की असेसमेंट के बाद पहला स्टेप जो हम करते हैं, हम एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाते हैं। माने एक बच्चे के हिसाब से उसका एजुकेशन प्लान बनाया जाता है। नाउ फॉर मेकिंग दिस एजुकेशनल प्लान, पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व। आइडियली पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फैमिली का अगर कोई और है जो बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर रहा है, मे बी अ नेबर ऑल्सो जो इसके साथ बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। लेट्स से कि द चाइल्ड विद स्पेशल नीड, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चा क्रेच में जाता है। सो इवन दैट फीमेल और मेल इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप व्हेन द इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान इज बीइंग मेड। सिबलिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, देन जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे मे बी थिंग्स विच द टीचर वोंट हैव नोटिस्ड बट दी स्टूडेंट वुड हैव नोटिस्ड। अलग अलग लेवल्स पे इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आप उनसे, हम इस तरीके से पेश लेकर के आ रहे हैं चीज़ों को कि वो बीमारी है और उसका सोल्यूशन ढूंढने बैठे हैं हम सारे। वी हैव टू सी इट इन दिस लाइट, दैट इज अ चैलेंज। वी नीड टू ऑल एक्सप्लोर दैट हाउ दिस कैन बी बेट, या हम इसको किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं या किस तरीके से और हैंडल कर सकते हैं। सो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंक्लूसिव स्कूल में, एक इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड फॉर दैट यू नीड टू पार्टनर विद द पेरेंट्स। सो दिस इज अनदर एलिमेंट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। जैसे हमने पहले बात करी कोलैबोरेशन की, हमने बात करी सपोर्ट टू द टीचर्स की, हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरिंग विद द पेरेंट्स यानी कम्युनिटी लेवल पे जो है आप सपोर्ट बनाते हैं। बिसाइड्स दिस विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी यू डू मेनी ऑफ यू मे नॉट एग्री विद मी इज, बट वट आई थिंक इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द लीडरशिप स्किल्स विच विल बी शोन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, और द लीडरशिप स्किल्स एंड द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शोन बाय द प्रिंसिपल इन दिस कंटेक्स्ट। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। आई गेस लीडरशिप स्किल्स या डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दे टेक अ लार्जर रोल व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन स्पेशली, सो व्हेन इट कम्स टू एन इंक्लूसिव स्कूल। सी बिकॉज इंक्लूसिव स्कूल इज ग्रैपलिंग विद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। दे आर डीलिंग विद पीपल, हम जब लोगों की बात कर रहे हैं और हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है वो डिफरेंट एबिलिटीज के हैं, डिफरेंट नीड्स के हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में भी डिफरेंट। तो वहाँ एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लीडरशिप स्किल्स ऑन टेकिंग अ कॉल कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो जो है वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाते हैं। सो द प्रिंसिपल हरसेल्फ, प्रिंसिपल और हूएवर द हेडमिस्ट्रेस इज देयर, शी हरसेल्फ नीड्स टू बी वेरी वेल इक्विप्ड, वेरी वेल सेंसिटाइज एंड हैव एक्सेप्शनल लीडरशिप एबिलिटीज इफ शी वॉन्ट्स टू रन एन इंक्लूसिव स्कूल इन द ट्रू सेंस। अगर आपने सिर्फ उनको भर्ती करना है, अपने क्लासरूम में एडमिशन दिलाना है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप मना नहीं कर सकते, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ट्रू सेंस में इंक्लूसिव स्कूल बिल्ड ऑन करना चाहते हैं, तो देन द अडेप्टेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। देन इट वोंट वर्क कि आपने सिर्फ उनको ला करके क्लासरूम के अंदर बिठा दिया एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद देम एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी करिकुलर चेंजेस विद देम। सो फॉर दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। द टीचर्स वुड नीड टू टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप किस तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड समवेयर दैट एन इंक्लूसिव स्कूल इज अ स्कूल विच इज अ स्कूल फॉर एवरी वन। दिस इज द बेसिक थिंग विच कैन बी सेट अबाउट एन इंक्लूसिव स्कूल, दैट एन इंक्लूसिव स्कूल इज अ स्कूल फॉर एवरी वन। तो जैसे ही हम एवरी वन की बात करते हैं, तो आपका सब कुछ, आपके अडेप्टेशन, आपकी एबिलिटीज, आपका टीचिंग स्टाफ, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ, आपका प्रिंसिपल स्टाफ, सब कुछ जो है वो उस चीज से अडेप्ट किए हुए हो और वो देख पाए कि आप हर तरीके से आप सबको कैटर कर पा रहे हैं। दैट्स अबाउट इंक्लूसिव स्कूल हाउ आई सी। सो इफ यू रियली इंटेंड टू बिल्ड ऑन एन इंक्लूसिव स्कूल, वी ऑल नीड टू सी कि हम किस तरीके से उस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। हम क्या एक्चुअली में वो उतनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज दिखा रहे हैं या वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन फेस। आप सिर्फ बाहर स्कूल के नाम में डाल देते हैं कि सो एंड सो इंक्लूसिव स्कूल, बट अगर आपके स्कूल के अंदर यू डू नॉट हैव स्पेशल एजुकेटर्स या यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट और यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ अलाइक, देन यू आर नॉट डूइंग अ जस्टिस टू जस्ट एडिंग दैट नेम टू द स्कूल्स नेम। सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड। हेयर आई वुड लाइक टू कोट व्हाट यूनेस्को सेज।
I would like to read out because that's how it can be understood well. UNESCO says that the founding principles of an inclusive school is that any school must be able to welcome anybody in as natural way as possible, all young people adapting to the needs of each one. So the point is that the school should be able to welcome anybody, everybody, जो भी आना चाहे उस स्कूल में, जो भी पढ़ना चाहे, आना माने पढ़ना चाहे उस स्कूल में, तो आप उसे वेलकम कर पा रहे हैं, तो आपका स्कूल जो है वो इंक्लूसिव स्कूल बनेगा ट्रू सेंस में, बिकॉज देन यू विल बी अडेप्टिंग टू इट. आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से अरेंज कर रहे होंगे, आप अपनी करिकुलम मॉडिफिकेशन उसी हिसाब से कर रहे होंगे, आप अपनी असेसमेंट्स उसी हिसाब से प्लान कर रहे होंगे. देयर मे बी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन्हें हम व्हेन इट कम्स टू असेसमेंट तो हम लाइटर असेसमेंट्स बनाते हैं, सिंपलर क्वेश्चंस देते हैं, और हो सकता है जैसे बोर्ड लेवल तक हम आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू गिव और दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेवल कि वो सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स अटेम्प्ट करें, तो देन यू एनरोल देम थ्रू एन एनआईओएस करिकुलम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के करिकुलम से आप एनरोल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेपर्स बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ चूजिंग ऑफ पेपर्स बहुत ज़्यादा है. देर आर सर्टन पेपर्स विच आर ईजियर टू हैंडल, जैसे होम साइंस जैसा पेपर क्लास 10th में ऑफर होता है, या म्यूजिक ऑफर होता है. सो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो ये ध्यान में रखते हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ उसे 10वीं पास करानी है तो मैं उसे एनआईए उसमें एनरोल करा दूंगी और चार पेपरों से पेपर दिला दूंगी. अगेन देन दैट इज नॉट अ जस्टिस टू व्हाट द एम ऑफ एजुकेशन इज. यू नीड टू केटर डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, यू नीड टू केटर डाउन टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो. तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट होम साइंस में है, या बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, या बच्चे का इंटरेस्ट लेट्स से ड्रॉइंग में है, तो देन द चाइल्ड और देन यू वुड मेक दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप एनआईओएस के करिकुलम से ना इन चीजों में एनरोल करा करके यू मेक देम अपीयर इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम. सो दैट्स वेरी वन वेरी सिंपल थिंग विच आई एम कोटिंग, या एक बहुत छोटा सा उदाहरण है उस चीज को समझाने के लिए कि ये होता है असल मायने में इंक्लूसिव स्कूल. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग योर क्लासरूम्स विद चिल्ड्रन हु हैव स्पेशल नीड्स, सिर्फ एक एनरोल करने के लिए आपने कर दिया और फिर वो बच्चा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आ रहा है या 1 दिन स्कूल नहीं आ रहा, और आप बॉदर नहीं कर रहे हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इंक्लूसिव स्कूल वुड बी रियली ट्रू कि अगर वो एक्चुअली में इस चीज से बॉदर भी करे कि हाँ जी वो बच्चा आज क्यों नहीं आया क्लासरूम में, एंड देन आई एम गेटिंग डाउन टू दैट लेवल, या मैं उसको पेरेंट्स को कॉल करती हूँ पूछने के लिए कि वो क्यों नहीं आया. इफ आई एम डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग देन आई एम एक्चुअली लिविंग इन द स्पिरिट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, अदरवाइज इट्स जस्ट अ नेम गेम विच इज गोइंग ऑन कि हाँ जी वो जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि फोटोशॉप कर दिया जाता था, या फोटो ऑप के लिए हम कुछ चीजें कर रहे होते हैं सिर्फ फोटोग्राफ में दिखाने के लिए, तो दैट शुडंट बिकम एन इंक्लूसिव स्कूल. यदि मैं चाह रही हूँ इंक्लूसिव स्कूल बनाना तो मुझे वो स्पिरिट में लेकर के आना होगा इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज एंड नीड्स एंड एवरीथिंग. नाउ दैट्स अबाउट इंक्लूसिव स्कूल. देन अगेन कमिंग डाउन, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब हम हैंडीकैप की बात करते हैं, या जब हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, या जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो दैट इज अ लॉट टू डू विद द सोसाइटी. अगर अगेन सेम जो मैं इंक्लूसिव स्कूल में भी कह रही हूँ कि अगर स्कूल अडाप्ट नहीं कर पा रहा है बच्चे की नीड्स को, तो स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल हैंडीकैप है, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि ये अगर हम समझेंगे तो ही हम वो सारी मैनेजमेंट करेंगे, वो सारे करिकुलर इंस्ट्रक्शनल एकोमोडेशंस असेसमेंट में मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे ही तभी जब हम वो चीज़ को मानेंगे कि हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. भाई स्कूल अगर आ रहा है बच्चा, सिंस वी आर सेइंग दैट द स्कूल शुड बी एबल टू केटर टू ऑल, तो अगर आप नहीं कर पा रहे या बच्चा नहीं सीख पा रहा था, तो स्कूल इज फेलिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. हैविंग सेड दैट, वी ऑल नो दैट सिंस द जो डिसेबिलिटी लेवल है या जो स्पेशल नीड्स का लेवल है, वो भी बहुत वेरी करता है बच्चों के अंदर. देयर मे बी अ सेट ऑफ चिल्ड्रन जो एक्चुअली में इतने ज्यादा स्पेशल नीड्स हो कि यू मे नॉट बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड इन द क्लासरूम एजुकेशनली. So then you need to develop just the functional skills in the classroom. I mean, just let's say for example कि एक बच्चा जो है mental retardation का case है, mental retardation भी उसकी जो abilities का level है वो बहुत बहुत severe है. Let's say अगर वो इतना severely mentally retarded है, तो I know I cannot do educational sense में उसके साथ कुछ खास नहीं कर पाऊँगी. So what I can do is just equipping him or her with basic functional life skills. मान लीजिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, हाउ डू यू वियर योर क्लोथ्स, या हाउ डू यू टाई अ नॉट, या आप खाना कैसे खुद से खाएं, इवन दैट बिकम्स एजुकेशन फॉर द चाइल्ड. तो वो बहुत बेसिक स्किल्स हैं जो हमें बच्चे को सिखाने पर भी वो उस बच्चे के हिसाब से यू कैन अचीव ऑन दैट. सुनने में ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट केटरिंग, बट दैट्स एक्चुअली अडेप्टिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
I remember in our setting we had an autistic child. Now he was ऑलमोस्ट 15 16 एंड वी न्यू कि इससे ज़्यादा, क्योंकि ऑटिज्म के साथ उसकी कुछ और कंडीशंस भी थी, कि वो इससे ज़्यादा एजुकेशनली आगे नहीं जा पाएगा. सो नाउ व्हाट द नेक्स्ट थिंग विच केम इन फोकस वाज लेट्स प्रिपेयर हिम वोकेशनली. तो इसे वोकेशनली प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाए. ओके, ऑटिस्टिक था, तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि वो एक रूटीन वाला काम जो होता है वो बहुत अच्छा कर पाते हैं. एक पर्टिकुलर रूटीन में अगर चलते रहते हैं तो दे आर गुड. अगर उनके रूटीन में थोड़ी वेरिएशन ना हो तो वो थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि कैसे मैनेज किया जाए उस चीज़ को. सो व्हाट वी डिड विद दिस चाइल्ड वाज वी ट्रेन्ड हिम टू वर्क ऑन ए फोटोकॉपियर. नाउ फोटोकॉपिंग इज समथिंग वेरी मोनोटनस है देखने में तुम्हें और मुझे शायद ऐसा लगेगा, बट दैट रियली वर्क विद दैट चाइल्ड वेल. ही इंजॉयड डूइंग इट क्योंकि वो एक ही तरह का काम था, एक ही रूटीन में चलने वाला काम था एंड ही वाज एंजॉयिंग विद इट. सो दैट इज समथिंग व्हाट वी डिड कि उसको फोटोकॉपिंग स्किल सिखा दिए. 14 15 साल का था, बेसिक एजुकेशन ले चुकी थी, बेसिक मैथ्स उसे आता था इनिशियली जो कॉलेज में ही, बिकॉज दिस वाज अ पार्ट ऑफ इनेबलिंग प्रोजेक्ट जो पहले भी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि जो कॉलेज में फोटोकॉपी मशीन थी उस पर जो बंदा था उसके साथ उसे असिस्ट करने के लिए खड़ा किया गया एंड इवेंचुअली उसकी एबिलिटीज इतनी शार्पन हो गई विद ट्रेनिंग दैट ही वॉज एबल टू हैंडल दैट फैसिलिटी ऑन हिज ओन ऑल्सो. एंड द चाइल्ड हैज ए वेल वर्किंग शॉप राइट नाउ, बिकॉज चाइल्ड नहीं, अब तो ही इज अ ग्रोन अप इंडिविजुअल, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर. सो यू नीड टू रियली सी कि किस एबिलिटीज पे काम किया जा सकता है. अगर मैं उसके एजुकेशनल एबिलिटीज पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ तो देन आई नीड टू फोकस ऑन द फंक्शनल स्किल्स और प्रॉब्लमली ऑन द वोकेशनल स्किल्स. ना वोकेशनल एजुकेशन भी, जैसे अब हम करिकुलम में भी बात करें कि हम क्लास 10th में भी लेकर के आएंगे, द आइडिया बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एजुकेशन इज ओनली दैट कि सी एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट और एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू गो फॉर हायर एजुकेशन. सो वी नीड टू इक्विप द चिल्ड्रन विद वोकेशनल स्किल्स इवन आफ्टर क्लास 10th या 12th. अगर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं और आगे नहीं पढ़ते हैं तो देन दे कैन गेट डाउन टू दोस लेवल. द सेम थॉट नीड्स टू बी ब्रॉट टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो. हम इन बच्चों की भी जब बात करते हैं तो भी हमें यही बात सोचनी होगी कि ये भी वही कैटेगरी है और इनके साथ डील करने के लिए भी हमें वही चीज़ सोचनी है कि अगर एजुकेशनली वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते तो लेट्स टॉक अबाउट इक्विपिंग देम विद फंक्शनल लाइफ स्किल्स एंड टॉक अबाउट और थिंक अबाउट इक्विपिंग देम विद वोकेशनल स्किल्स, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू मेक देम इंडिपेंडेंट इन लाइफ. ऐसा नहीं रहेगा कि वो अपनी जरूरतों के लिए या मॉनिटरली भी वो किसी और पर निर्भर रहेंगे. अगेन इसमें डिपेंड करता है कि एबिलिटी का लेवल क्या है. हम सब बच्चों को हो सकता है वोकेशनल स्किल्स के लिए भी ना तैयार कर सकें, सो देन वी वुड नीड टू कम डाउन कि हम उन्हें सिर्फ फंक्शनल लाइफ स्किल्स के लिए प्लान कर तैयार कर सकें. भाई जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि वो अपने कपड़े खुद से पहन सके, उसके लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा, वो खाना खुद से खा सके, वो उस चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट, समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक टू अस. ये हमें लगता है इसमें क्या सिखाने वाली बात है, ये तो हम सब कर लेते हैं, बट दैट मे बी अ टास्क फॉर दैट चाइल्ड. तो अगर हम वो सब चीज़ें कर रहे होंगे तो इवन देन यू आर हेल्पिंग द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स ऑल्सो. जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स इमेजिन यू इफ देर इज अ चाइल्ड और इफ देर इज एन इंडिविजुअल इन द फैमिली हु हैज सिवियर मे बी फिजिकल इम्पेयरमेंट या वो बेड कन्फाइंड है, सो देन इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो इन हाउ टू अडेप्ट टू दोज काइंड ऑफ नीड्स ऑल्सो. सो एट टाइम्स दीज काइंड ऑफ वेंचर्स या इस तरह से जो बात हम करते हैं दैट्स गिव्स एन ओपनिंग टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि दे ऑल्सो मेट आउट और दे ऑल्सो वेंट आउट वट एवर दे आर गोइंग थ्रू. तो जब हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करते हैं या पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बात करते हैं तो दीज आर गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज वेयर इन द पेरेंट्स विल बी एबल टू वेंट आउट वट दे आर गोइंग थ्रू एंड प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस ऑफ अदर्स ऑल्सो. बिकॉज इफ देर इज अ सेट ऑफ 7 8 पेरेंट्स हु आर देयर हु आर कमिंग एंड दे वुड शेयर कि मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है एंड हाउ डू आई हैंडल एंड वो मेरे साथ ऐसा हो रहा है एंड हाउ डू आई हैंडल. But this is all possible if the school is sensitive enough to these kind of things. The school may provide those kind of opportunities in the school setting. वो हो सकता है Saturday को एक parents meet रख देता है. Not just the parent teachers meet, but even the parents meet. Schools जो parents हैं उन्हें एक space चाहिए होता है या एक opportunity चाहिए होती है एक दूसरे से मिलने के लिए और बात करने के लिए and to know how to handle these things better. So that is another I think advantage which an inclusive school can offer. To sum up, I would say that an inclusive school is something which is based just on the principle of inclusion of everybody. हमने किसी को मना नहीं करना है. You're going to welcome everybody based without any barrier of ability, caste, creed, language, gender, linguistic background, anything. And then we are opening them with open arms and we are owning the responsibility that the school would adapt to the needs of the child and would provide for the needs of the child and make him reach
academically better. If not academically, we would be equipping the child with the functional skills and the vocational skills. I hope I made myself clear and you were able to understand and you were able to get what I intended to talk about was the inclusive school. That's all about inclusive school. Your suggestions are welcome. I'm able to see many comments and I'm pleased to share my views on the same. Thank you all.